हालेलुया। प्यारो परमेश्वर सच में बहुत भला है और उसकी दया सदा की है, और उसकी महाकरुणा का फल है कि आप और मैं जीवित है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो सच में आदर के योग्य है, जो सच में सम्मान के योग्य है, जो सच में महिमा के योग्य है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अब तक चलाया है, हर परिस्थिति में चलाया है, आपके वचनों से हमें तृप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपके द्वारा हमें जीवन में भरपूरी मिली है, आपने हमें बचाया है, हमारा जीवन आपकी महिमा करता है। प्रभु आपको धन्यवाद देता है और हम ये कहते हैं प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, सारा आदर मान और महिमा के योग्य परमेश्वर सिर्फ आप हो। हम सिर्फ आपकी महिमा करते आराधना करते हैं, क्योंकि इस संसार में और कोई भी आदर के योग्य नहीं, महिमा के योग्य नहीं, आराधना के योग्य नहीं, लेकिन सिर्फ आप ही हो प्रभु। आप ही को महिमा मिले, आप ही की स्तुति हो, आप ही की आराधना हो। आज आप जहां कहीं भी अपने घरों में हो, आज प्रभु को अपनी महिमा के शब्दों में आराधना में उठाइए, क्योंकि उसके जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं, दया करने वाला कोई नहीं, चलाने वाला कोई नहीं। भले जीवन में कितने भी कमी हो, लेकिन वो भरपूरी से चलाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हुए आइए हम महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया।
समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना आवाज उठाकर कहिए, तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना,
से मेरे प्राण से तेरी स्तुति हो। मैं कह सकती हूँ यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जीवन से तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना। हालेलुया। अपने अपने घरों में प्रभु की स्तुति करें। प्यारो, आपके जीवन में शायद ये समय, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आराधना का समय है, सिर्फ ईयरफोन लगा कर आप इसको सुनिए नहीं, पर आप जुड़िए। आपको शर्म आती है तो अपने रूम को बंद कीजिए, घुटनों पर आइए, या तो नाचते कूदते आप प्रभु की स्तुति करिए। हो सकता है ये समय आपके लिए सुबह का हो, या रात का हो, या शाम का हो, पर परमेश्वर हमेशा, जिनके भी जीवन में अंधियारा होता है, जिनके भी जीवन में अंधियारा आने वाला होता है, उनके जीवन में सुबह जरूर लाता है। प्यारो, यीशु का वचन कहता है वो प्रतिदिन का बोझ हमारा उठा लेता है। उसका वचन हमें यह सिखाता है कि हर दम हम उसकी स्तुति करें, चाहे हमारे जीवन में सुबह का समय हो, मतलब अच्छा समय हो, शाम का समय हो, मतलब कुछ अंधेरा छा रहा हो, या तो घोर अंधेरी रात छा गई हो, पर अगर आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो तो आपके लिए एक ऐसा सवेरा आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। प्रभु के उन दासों के बारे में हम बार बार सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास, जब वो बंधे हुए थे, मार खाकर वहां पर उनको बांधा हुआ था बंदीगृह में, उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, वहां पर लिखा है मत रात को, ऐसी भारी रात के समय में उन्होंने प्रभु की स्तुति की, प्रभु का भजन गाया। क्या आपके जीवन में प्रभु का भजन करने की आदत है? प्यारो, प्रभु की स्तुति करने की आदत क्या डालिए कि सिर्फ संडे को ही हम गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे? हर दम, सुबह हो या शाम हो, वो स्तुति के योग्य है। प्यारो, बाइबल में लिखा है उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। प्यारो, सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, पर हमारा परमेश्वर वो है जो कभी भी उसका उजाला खत्म नहीं होता है, वो खुद उजाला है। प्यारो, उसकी वो स्तुति के योग्य है, और जब वो हमारे जीवन में है कभी अंधेरा नहीं छा सकता है, क्योंकि वो जगत का उजाला है, वो हमारी ज्योति है, हमारा उजाला है। प्यारो, और वो हमें हमेशा अंधेरे में नहीं पर उजाले में ले चलने वाला खुदा है। इसीलिए हम गा रहे हैं, सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, पर वो हर दम स्तुति के योग्य है। उसको महिमा दे, अपने हाथों को उठाकर, तालियां बजाकर, अपने आप से जितना हो सके उसकी महिमा करे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, वो परमेश्वर आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य हो, चाहे कैसा भी समय हो, लेकिन उस परमेश्वर की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, जो आपको और मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया। उसके समान कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। आइए हम मिलकर के गीत गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं तारीफ करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब जगत में आया जीवन दिया मुझे बचाने को। आइए हम प्रभु के गुणों को गाकर, गीतों में गाकर उसको महिमा दे। हालेलुया, ये शायद आपके लिए नया गाना है, वैसे बहुत पुराना गाना है ये, पर हम फिर से इसको शामिल किए हैं। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, इसलिए सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, क्या आपको बचाया परमेश्वर ने? हालेलुया, हम सबको परमेश्वर ने, पापों के सागर में डूब रहे थे, उस गहराई में चले गए थे, पर उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसमें से हमें बाहर निकाला। हालेलुया, स्तुति करते हुए सदा सदा, बाइबल यहाँ पर गाना ये कहता है कि सदा मैं स्तुति करूंगा। दाऊद भी इस प्रकार कहता था कि हर हमेशा मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करेगी। आइए साथ मिलकर इस गाने में आप जुड़िए।
आशा दी, जगत में आया, जीवन में दिया, मुझे बचाने को। हालेलुया, मेरा प्रभु है और मैं उसकी स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मुझे शैतान के
प्रभु हम तो पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ था, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन आपने यीशु को इस दुनिया में भेजा, उसने हमारे पापों को क्षमा किया और यीशु ने हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से टूटा हुआ था उसे फिर से जुड़ा, यीशु ने हमें फिर से परमेश्वर से जोड़ा है। ताली बजाकर उसका धन्यवाद कीजिए, उसको महिमा दीजिए। हम परमेश्वर से दूर थे, हम पाप में थे, हम शैतान के हाथों में थे, हम नाशमान राहों पर चल रहे थे, इस दुनिया की गंदगी हम पर हावी थी, लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में आए, यीशु जब हमारे जीवन में आया, उसने सारी गंदगी से हमको छुड़ा लिया, हमें गंदगी से साफ किया, नए वस्त्र पहना, आत्मिक वस्त्र पहना है, हमारा जीवन बदला, हमारा स्वभाव बदला। आज भी शैतान तरह तरह से हमें उकसाता है कि हम पाप करें, हम गलत बोले, हम नाश हो जाए, लेकिन जब तक यीशु हमारे जीवन में है, शैतान की कोई भी योजना आप पर और मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगी। यीशु को थाम लीजिए, यीशु को थाम लीजिए, हालेलुया, क्योंकि वो इस दुनिया में आपको और मुझे बचाने के लिए आया है। प्यारो, बाइबल में प्रभु का वचन ये सिखाता है हमें, उसके प्रेम के बारे में कितनी अद्भुत बात बोली गई है। रोमियो की पत्री 5:6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले के लिए कोई मरने का भी साहस करे। भले के लिए कोई आगे आ सकता है, पर नहीं, ऐसे भक्तिहीनों के लिए जो अधर्मी अधर्म में डूबे हुए, उनके लिए कौन आगे आ सकता है? कोई नहीं आगे आ सकता है, पर हमारा परमेश्वर का वो प्रेम है। मुझे ये बात बहुत ही अचंभित करती है प्यारों, कि यीशु मसीह आया, उससे युगों पहले इस संसार में यीशु ने शरीर देह धारण किया, उससे युगों से पहले परमेश्वर ने ये योजना जाहिर की थी प्यारों। और इस बीच में आप देखो तो इतिहास में ऐसे बड़े बड़े अधर्म के काम हुए, ऐसे बड़े बड़े अधर्मी लोग आए जिन्होंने परमेश्वर की प्रजा को सताया, उनका नाश करने का प्रयास किया, बहुत कुछ हुआ प्यारो, बहुत, अब देखो तो पाप की पराकाष्ठा वहां पर पहुंच चुकी थी, पर वहां परमेश्वर के ने अपना मन नहीं बदला। अरे ये लोग तो बहुत खराब हो चुके हैं, इनको बचाने के लिए क्यों मेरे इकलौते बेटे को भेजूं मैं, छोड़ो इनको अपने ही हाल पर मैं छोड़ देता हूं, क्या ऐसा सोचा पिता ने? ना प्यारो, हमारा स्वर्गीय पिता प्यार से भरा हुआ है, बाइबल तो यह कहता है कि वह खुद प्रेम है प्यारो, हालेलुया। और उस प्रेम की जो उसने क्रूस पर दिखाया, उसकी वजह से हम उसको जान पाए हैं, उसके करीब आ पाए हैं, और इसके प्रेम के कारण आज आप और मैं इस माध्यम से भी स्तुति आराधना कर रहे हैं। कितना महान प्रेम है प्यारो, कि उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं मेरी योजना को वापस खेलता हूं, मैं ले लेता हूं मेरी योजना, मुझे इन लोगों के लिए नहीं मरना है, छोड़ो इनको, पर उसने हमारे ही अधर्म पर हमें नहीं छोड़ दिया, लोगों को छोड़ नहीं दिया, ऐसे ही वो बचाने के लिए नहीं, जिसने जो जो कहता है कि तू मेरी कृति है, मेरे हाथों की रचना है, मैं कैसे भूल सकता हूं प्यारो, उस खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी प्यारो, वो आ गया। आइए उस महान परमेश्वर को महिमा देते, अपनी आंखें बंद करें, ये स्टेंजा हम विदाउट म्यूजिक अपने घरों में ही हाथ उठा कर गाएंगे, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। अपने पाप की गहराई को देखे प्यारो, आप पाप की कितनी गहराई में डूबे हुए थे, पर फिर भी यीशु ने अपनी जान दी, वो आया प्यारो, उसको पता था कि 1900
फलाने साल में ये पैदा होने वाला है और बहुत अधर्म के काम करेगा, अपने आप को शैतान के हवाले करेगा। पर वो नहीं चाहता था कि हम लोग शैतान के हाथों बिक जाए। वो हमारी छुड़ौती बन गया, हमारे छुटकारे का कारण बन गया। वो उस महान प्रेम की स्तुति करे, हाथों को उठाए प्यारो, कहे मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा यीशु, सदा मैं तारीफ करूंगा, मुझे बचाया यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा। ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू भला है प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। लोग हमें गंदी अवस्था में देखकर हमें यूं ही छोड़कर चले जाते हैं, हो सकता है तो वो हमें और भी दर्द देके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब उसने देखा कि आप और मैं दर्द में हैं, तो वो भी दर्द से भर गए और उसने उसमें से आपको और मुझे निकाला है, छुड़ाया है। हालेलुया, उसको धन्यवाद दें। हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, प्रभु परमेश्वर तू है मेरा खुदा। स्वर ते हैं हर धन्यवाद करता हूँ, हाथों को उठाकर आराधना के योग्य तू ही खुदा। हालेलुया, तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर है प्रभु, तेरी आराधना हो। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल तेरी ही है। हालेलुया, हालेलुया। ये नया गाना है, लेकिन आप सीखिए और प्रभु को महिमा दीजिए। हमारे लिए सिर्फ एक ही बात महत्व की है कि हम प्रभु को महिमा दें। कौन आराधना कर रहा है, कौन गीत गा रहा है, कौन सा गाना है, ये महत्व का नहीं है। लेकिन हमारे लिए महत्व की बात यही है कि हर परिस्थिति में, हर समय, हर समय हमारे प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू है मेरा।
देने वाला। हालेलुया, स्वर्ग दूत भी दिन रात उसकी महिमा करते हैं। आइए हम भी अपने हाथों को उठाकर हम चाहे चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में, आकर के उसको हाथों को उठा करके आदर के साथ उसको महिमा दे। आराधना के योग्य खुदा।
आंखों को बंद ही रखे और हाथों को उठाते हुए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। क्या क्या भी आपने सोचा था 20 साल पहले या 10 साल पहले कि आपको यीशु में नया जीवन मिलेगा, जिस जीवन के बारे में आपने जो आज जी रहे हो, क्या भूतकाल में ऐसी कल्पना भी की थी आपने कि ऐसा रिश्ता आपका उस स्वर्गीय खुदा के साथ होगा। आप और मैं, हम अपने अपने सपने सजो कर बैठे थे, हर एक के पास अपनी अपनी मंजिलें थी। मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, पर यीशु ने युगों से आपको चुन लिया था। हालेलुया। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था? आप में जब समझ आई कि आपको अंदाजा था कि आपका जीवन बेहतर बेहतर से और ज्यादा बेहतर और बहुत खूबसूरत बन जाएगा, मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु ने मुझे खूबसूरत जीवन दिया है, अद्भुत और सुंदर जीवन दिया है। ऐसे जीवन की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी और मैं यीशु का धन्यवाद करता हूं। अगर उसने मेरे रास्ते ना बदले होते तो आज भी मैं उन अंधेरी राह पर भटकता होता, जहां पर मैं अकेला पड़ा रहा होता, जहां पर मेरे लिए बदनामी होती, बेइज्जती होती, जहां पर मेरे लिए बीमारियां और बहुत सारी मुश्किलात समस्याएं होती, मेरे लिए उलझन का समय होता। पर मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यीशु ने मुझे उन अंधेरे के जीवनों से बाहर निकाला। उसकी योजना के लिए धन्यवाद करें प्यारो। हाथों को उठाकर, सिरों को झुकाकर कहे, यीशु मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा जीवन आप देने वाले हो। मेरे पाप तो और भी ज्यादा ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, पर ऐसे समय में तू आकर मुझे मिला और उस पाप की गहराई में से मुझे निकाला और मुझे नई सृष्टि बनाया। मेरा पुराना सब कुछ तूने ले लिया, हटा दिया मेरे पापों को। तेरा वचन कहता है कि तू कभी उसको स्मरण नहीं करेगा,
तूने मिटा दिया। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है उतने ही तूने हमारे अपराधों को दूर किया। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तो उन चुने हुई प्रजा के साथ नहीं थे, पर उनसे भी पहले तूने हमें युगों से चुना हुआ था यीशु में। और पिता हम तेरे धन्यवाद करते हैं इसके लिए, तेरी बुलाहट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे तूने हमारे जीवन में यह अवसर दिए कि हम उस खुदावन परमेश्वर की सही पहचान पा सके और उसके बताए हुए मार्गों और नक्शे कदम पर चल सके। हो प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। आपने कभी भी आज तक हमें छोड़ा नहीं है प्रभु, त्यागा नहीं है, हमेशा हमारे साथ बने रहे हो। चाहे दिन हो जीवन में या रात हो प्रभु, चाहे भारी दोपहर हो जिसमें चलना मुश्किल हो, खड़ा रहना मुश्किल हो, पर यीशु तूने हमारा साथ दिया है। तू हमारे लिए बादल बनकर हमारे ऊपर छाया किया है और रात को अग्नि बनकर हमें अगुवाई की है। अंधेरा कभी हम पर साया करने नहीं पाया है क्योंकि उजाला हमारे साथ रहा। किसी का भी साया हम पर नहीं आया और आ भी नहीं सकता है क्योंकि उजाला हमारे साथ है, और जहां उजाला होता है वहां कोई परछाई नहीं पहुंच सकती है। ओ यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रीपाला सखा हालेलुया, धन्यवाद कर अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया कर कहिए। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा तू ही पवित्र है। प्रेम का सागर प्रभु परमेश्वर है। I'm not afraid to die.
कि प्रभु हम आपके सम्मुख खड़े रह सके। हमें सौभाग्य दिया आपके राज्य के अधिकारी हम बन सके। हमें यह सौभाग्य दिया आपके प्रिय आपके अपने हम बन सके। थैंक यू जीसस। हम सारा आदर मान और महिमा सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में हो, आपने हमारे जीवनों को बचाया है, आपने हमारे जीवनों को बदला है प्रभु। नया रूप आप हमारे जीवन को दिए हो प्रभु, आपने नया रूप दिया है, नई दिशा दी है। थैंक यू जीसस। हम सारा आदर मान और महिमा आपको देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हुए कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है। हमारी ये स्तुति और आराधना का समय सिर्फ प्रभु आपको अर्पण करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मध्यस्थ के रूप में चुना है प्रभु। ना सिर्फ हमें आराधक बनाया है, पर प्रभु आपने ऐसी बातें हमारे लिए रखी है जो है अद्भुत प्रॉमिसेस, अद्भुत वायदे, वचन, जिसमें आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना है बहुतायत से असरदायक होती है। हाँ प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुनने के लिए प्रभु हर एक प्रॉमिस दी है कि जिसमें आपने हमें हमेशा प्रभु हमारा हौसला बढ़ाया है उन प्रॉमिसों में, उन वायदों में, कि हम आपके पास आकर मांग सकते हैं। आपने हमें हमेशा कहा है परमेश्वर कि तू मांग। आपने हमें कहा है परमेश्वर कि तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए इसलिए मांगो। आपने हमें कहा है कि खटखटाओ तो खोला जाएगा। आपने हमें बताया परमेश्वर कि हमेशा आप हमारी सुनते हो, धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रति आपके कान हमेशा खुले रहते हैं। और प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारी बातों को लेकर धन्यवाद करते हुए आपके पास आते मांगते प्रभु, आज की मध्यस्थी की प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। जिस प्रकार आप हमारी आराधना में अगुवाई की है प्रभु, पवित्र आत्मा हम पूरे आप पर निर्भर है प्रभु। आप हमारी अगुवाई मध्यस्थी की दुआ में आप हमें करो, किन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, कैसे लोगों के लिए हम दुआ में जाए परमेश्वर। प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांगते परमेश्वर, आप सहायता करें। यीशु मसीह के बड़े और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में प्यारो हम जब देख रहे चारों तरफ नहीं माहौल कुछ अलग तरीके का जा रहा है। मैं महामारी या बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर हम देखते हैं चीन की उस हरकतों को लेकर, नहीं हम जो देखते कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कभी बोलते कि ये ऐसा हुआ है, कभी बोलते कि ऐसा नहीं है, कभी बोलते कि जो वीडियो न्यूज में बताया जा रहा है वो वहां के बॉर्डर का है, कभी बोला जाता है कि वो वीडियो तो 4-5 साल पहले का है। तो नहीं, प्रजा, भारत देश की प्रजा इस समय में नहीं एक बारी असमंजस में रहती कि हकीकत में हो क्या रहा है। नहीं, और ऐसे समय में हमें ऐसे समाचार मिलते हैं कि कुछ शहीद हो गए उस जगह में। प्यारो कुछ सैनिकों की तो यह हालत थी, इतने जवान थे जिनकी शादी हुए एक महीना भी नहीं हुआ था, कुछ का तो 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। ऐसे लोग प्यारो वहां पर शहीद हो गए। तो प्यारो हम आज हमारी सेना के जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भारत की रक्षा के लिए कोई वातावरण या तो कोई सीमा या तो कोई ऐसा माहौल नहीं चाहते कि हमें ऐसा माहौल मिले या वैसा माहौल मिले। हर परिस्थिति में बेचारे वो लड़ते रहते हैं, हर परिस्थिति में वो जहां भी जाए वो हमेशा अटेंशन में रहना पड़ता है उनको। नहीं, हम तो चलो भाई कुछ काम काज कर लिया, चलो हाश अब हम बैठते हैं आराम करते हैं। उनके लिए प्यारो ऐसा नहीं है। नहीं, उनकी जब तक ड्यूटी रहती है 24 घंटे प्यारो वो हमेशा एक चौकन्ने भरी परिस्थिति में रहना पड़ता है। कोई भी परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, मामला कुछ भी गड़बड़ा जा सकता है, और ऐसे समय में नहीं वो क्या कर रहे हैं। हम आज प्रार्थना उनके लिए करने जा रहे हैं। बाइबल का वचन में ऐसा लिखा है कि यदि यहोवा नगर की सुरक्षा न करे
तो चौकीदार का जागना व्यर्थ होगा। प्यारो वो परमेश्वर है जो सुरक्षा करते हैं, पर सुरक्षा की व्यवस्था उस परमेश्वर ने हमारे देश को दी हुई है। हालेलुया। हमारी सेना के लिए हम प्रभु का आभार मानते हैं कि वो हर दम नहीं कुछ भी नहीं देखते, पर एक सैक्रिफिशियली एक त्याग पूर्ण वो एक सेवा कर रहे हैं हमारे देश के लिए। तो आइए प्यारो हम आज उनके लिए दुआ करेंगे, वो अपने परिवार को, अपने स्नेहीजनों को, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं उपस्थित हुए है वहां पर बॉर्डर पर। तो आज हम उनके लिए दुआ करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को प्यारो आइए हम बंद करेंगे और हम यहाँ से आपको अगुवाई देंगे, उस मुताबिक उसके आधार पर आप हमारी इस प्रार्थना में आप शब्द बोलिएगा, जुड़िएगा, है ना। तो आइए हम आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा डिफेंस सिस्टम दिया है। आप सोचो तो बर्फीली सीमा हो या समुद्री सीमा हो या तो भूमिगत सेनाएं हो, नहीं हर एक क्षेत्र में वो वहां पर सैनिक तैनात है। उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जिनको ये प्रेरणा मिली कि भारत देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर जाकर वो अपना फर्ज अदा करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु, एक एक सैनिक के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते जो हमारे देश में प्रभु सुरक्षा की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु आपने इनको तैयार किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पद पर बैठाना उठाना वो परमेश्वर का काम है प्यारो, वो उठाकर वहां पर लाता है, वो न चाहे तो कुछ ना हो सके, पर प्यारो वो इन लोगों को तैयार करके हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु तूने हमारे देश को ऐसी सिस्टम दी है, डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके आभारी है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे देश को ऐसे सैनिक दिए जो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें उन शहीदों के लिए, उन शहीदों के परिवारों के लिए जिन्होंने, कई परिवार तो ऐसे है कि जिनके पांच पांच बेटे हैं, छह छह बेटे, उनको भी उन्होंने सेवा में दे दिया है भारत देश के लिए। प्यारो ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें कि जो जिनके बेटे शहीद हुए फिर भी उनके भाई भी वहां पर सेवा कर रहे हैं आज। प्यारो प्रभु हम तेरा प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु हम आभारी है प्रभु कि ऐसे हौसला रखने वाले जुनून, भारत देश की सुरक्षा का जुनून रखने वाले सैनिक आपने हमें दिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आभारी है जो कुछ भी नहीं देखते हैं, ना कोई सीजन देखते हैं, ना कोई ऋतु देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, कुछ भी नहीं प्रभु। उनको तो एक ही जुनून रहता है कि बस देश के लिए जान छिड़क दे। प्रभु हम ऐसे सैनिकों के लिए, ऐसे जवानों के लिए हम सिर उठाकर प्रभु आपका, हम हाथ उठाकर सिरों को झुकाकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आभारी हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश की ऐसी सिस्टम के लिए, सुरक्षा जवानों के लिए, उनके ऊपरी अधिकारियों के लिए, नहीं एक के बाद एक उनके ऊपर अधिकारी होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, हम उनके लिए और पूरी सेना, थल सेना, भूमिगत सेना, जल सेना जो पानी समुद्री से सरहदों पर काम कर रही है, हवाई सेना, नहीं जो हवाई मतलब उस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, और विशेषकर उन जगह पर हम देखते हैं कि जहां पर बहुत धूप होता है, ठंड भी बहुत होती है, ऐसी राजस्थानी सीमाओं पर हम ऐसे जवानों को देखते हैं, कभी भारी ठंड भी वहां होती है, बारिश भी वहां पर ज्यादा होती है उन इलाकों में, और ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है, पर फिर भी वो वहां पर मौजूद है। उन हर एक के लिए बर्फीली सीमाओं पर जो काम कर, हर एक जवानों को याद करते हुए और इनके ऊपरी अधिकारियों को याद करते हुए, भारत देश के होम मिनिस्टर के लिए, हर एक रक्षा मंत्री के लिए हम पापों की क्षमा मांगेंगे। प्रभु हमारे देश के इन मंत्रियों को, इन जवानों को, इन बड़े बड़े अफसरों को जो इस सुरक्षा प्रणाली में बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे,
हम उनके लिए, उन मेजरों को, उन कर्नलों को, उन ब्रिगेडियरों को, बड़े बड़े अफसरों के लिए हम माफी मांगते प्रभु। यीशु के लहू से उनके और भारत देश के हर एक नेता के और हर एक नागरिक के पापों को आप क्षमा करें। आप मांगे प्यारो, पापों की क्षमा मध्यस्थी में बहुत महत्व रखती है। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए मध्यस्थ बने हैं। प्रभु से कहेंगे प्रभु उनके हर एक गुनाह को आप क्षमा करें। यीशु आपके बहाए पवित्र लहू से आप इन्हें धो दे, शुद्ध करें। यस फादर, प्रभु हम माफी मांगते हैं उन जवानों के लिए प्रभु, प्रभु उनके बड़े अफसरों के लिए, हम रक्षा मंत्री के लिए प्रभु, बड़े नेताओं के लिए प्रभु, होम मिनिस्टर के लिए, हर एक के लिए हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम में आप क्षमा करें। अगर कहीं भी किसी मंत्री या होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, किसी ने भी कोई नाइंसाफी की है प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं उनके लिए। कोई इनजस्टिस, अन्याय किया है प्रभु, हम माफी मांगते हैं उनके लिए। क्षमा चाहते प्रभु आप उन्हें और हम सबको आप क्षमा करें पिता। यीशु के नाम में आप माफ करें, यीशु के लहू से उन्हें धो दे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन जवानों के लिए। परमेश्वर इनको सुरक्षा प्रदान करे, हर एक दुश्मन की चालों से बचाए, हर एक दुश्मन की छिपी चाल इनके सामने प्रभु लाए। नहीं, हम मांगेंगे कि वो अनजाने न रहे शत्रु की चालों से। कोई आतंकवादी कहीं पर घुसखोरी करने का प्रयास यदि कर रहे तो इन सेनाओं से भी ये बातें अनजान न रहे। हम ये बात प्रार्थना में मांगेंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर यह सब कुछ इन जवानों के ध्यान में किसी खबरी के द्वारा या तो किसी के भी द्वारा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नहीं या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इन जवानों के ध्यान में लाए, ताकि कोई भी हमले के शिकार व न हो जाए, कोई भी अचानक होने वाले हमलों के शिकार ये न हो जाए। हमारी सुरक्षा के जवानों की जब उन्होंने जिम्मेदारी हमारी और देश की सुरक्षा की ली है, हमें उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज बनता है प्यारो। और यह हम मांग रहे कि प्रभु हर एक जवान को जो सुरक्षा में तैनात है, जो चाहे बर्फीली सरहदों में है, चाहे समुद्री सरहदों में है या तो भूमिगत सरहदों पर है, प्रभु हर एक शत्रुओं की छुपी चालों को, हर एक घुसखोरों की छुपी चालों को उनके ध्यान में लाए, हर एक ऐसी गलत हरकत इनके ध्यान में आ जाए, ताकि वे जवान और हमारा देश सुरक्षित बना रहे। मांगे प्यार प्रार्थना में प्रभु हमारे जवानों को के सामने ऐसी हर एक छुपी चालों को लाइए, घुसखोरी लोगों की या तो ऐसे ऐसे आतंकवादियों की या तो ऐसे देश के लोग जो भारत देश की सीमाओं को तोड़कर उसमें घुसकर सीमाओं को, उन जगह को पचा लेना चाहते हैं। प्रभु से कहे प्रभु, प्रभु ऐसी चालें हमारी सेना के ध्यान में आ जाए, हमारी सेना अनजान न रहे, हमारी सेना इन लोगों की गलत चालों का शिकार न हो जाए। प्रभु बहुत सारे जवान जवानी के उम्र में मारे जा रहे प्रभु, हम नहीं चाहते। पूरी जिंदगी उन्होंने तो सेवा के लिए दी है देश की, वो शुरू में ही मर जाएंगे प्रभु, वो क्या होगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, मांगे प्यारो प्रभु किसी भी हाल में, हर हाल में हमारी सेना के जवान ऐसी कोई घटना के शिकार न हो प्रभु। उनको तो बचा प्रभु, तू सुरक्षित कर प्रभु उनको, तू उनके लिए प्रभु अपने दूतों की सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। प्रभु से कहे प्रभु तू इन सुरक्षा के जवानों को तू सुरक्षित रख, जो हमें सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर हर कीमत अदा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे, प्रभु तू उनकी सुरक्षा कर प्रभु। ऐसी छिपी हुई चाल इनके ध्यान में आ जाए प्रभु, कोई भी खबरें या तो ऐसे लोगों के द्वारा इनके ध्यान में ऐसी छिपी चाले आ जाए परमेश्वर, ताकि हमारे देश के जवान बच जाए प्रभु जी, हमारे देश के जवान ऐसी कोई भी गलत आतंकी घटनाओं का शिकार ना हो जाए प्रभु जी। प्रभु सही सही प्रबंध वो कर सके ऐसे लोगों के लिए, सही व्यवस्था वो कर सके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। प्रार्थना में हम मांगेंगे कि जितने भी बड़े अफसरों के हाथ में हर एक सीमा की जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना हम कर रहे हैं प्यारों, जितने भी बड़े बड़े अफसरों के हाथ में सीमाओं की जिम्मेदारी है, प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि दे,
क्योंकि उनके एक फैसले से बहुत सारे सेना के जवान नष्ट भी हो सकते हैं और वही फैसले से भारत देश आबाद भी हो सकता है। तो हम ये दुआ करेंगे कि सही निर्णय, सही फैसला हर और सही समय पर वो करने पाए वे बड़े अफसर, क्योंकि उनकी कमांड के बगैर सेना आगे नहीं बढ़ सकती है। हम ये प्रार्थना में ले जाएंगे कि परमेश्वर जितने भी बड़े अफसर है जो सीमाओं की जिम्मेदारी लिए हुए है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि दे। किस बात के लिए ज्ञान और बुद्धि दे? सही समय पर सही निर्णय और सही फैसला वो ले सके, सही कमांड, सही आदेश जारी कर सके। इसके लिए प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक सीमा की जिम्मेदारी अदा करने वाले बड़े बड़े अफसरों के लिए, प्रभु प्रभु आप उनको ज्ञान और बुद्धि से भर दे। प्रभु पवित्र आत्मा समय और सूझबूझ के साथ प्रभु वो सही फैसला, सही आदेश जारी करने पाए प्रभु, क्योंकि बहुत सारे सेना के उन जवानों की जान इनके फैसलों पर निर्भर रहती है परमेश्वर। एक गलत फैसला बहुत सारे सेना के जवानों की जान ले सकता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज, प्रभु तू सही फैसला दे, सही आदेश जारी करने के लिए तू ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। यीशु के नाम में हम मांगते परमेश्वर, आप ज्ञान और बुद्धि दे उन अफसरों को प्रभु, ताकि वो सही फैसला कर सके प्रभु, सही आदेश जारी कर सके परमेश्वर। वो परमेश्वर ऐसे फैसले ले पाए परमेश्वर जिससे भारत देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित बनी रहे और वह जवान भी सुरक्षित बने रहे परमेश्वर, कोई दुर्घटना के शिकार न हो जाए परमेश्वर। हम दुआ करते परमेश्वर आप सही निर्णय, सही फैसला करने के लिए और वो सही समय पर करने के लिए आप उनको ज्ञान और बुद्धि से भरे पिता। हम ये दुआ मांगते परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करेंगे प्यारो, जितने भी लोग पिछली दुर्घटनाओं में शहीद हुए हैं, हम उन जवानों के लिए तो उनके परिवारों के लिए मांगेंगे प्रभु। बहुत सारी विधवाएं हो गई जवान उम्र में, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी बहनें तो गर्भवती थी और उस अवस्था में विधवा हो गई है। हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी बहनों को, ऐसे पिताओं को और ऐसे बच्चों को प्रभु दिलासा दे, सांत्वना दे। प्रभु से कहेंगे प्रभु तू उनको प्रभु तेरी शांति से भर दे। प्रभु से कहे प्यारो आइए उनके लिए दिलासा और शांति मांगते हैं। जो कमी घटी हुई है उन शहीदों के जाने से, उनसे बिछड़ने के द्वारा प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु अपनी शांति इन परिवारों को प्रभु प्रदान करे, दिलासा प्रदान करे प्रभु। अब मांगते प्रभु आज ऐसे दुखी परिवार जो अपने शहीद बेटों के लिए दुखी है, व्यथित है, ऐसी विधवाएं, ऐसे बच्चे जो अपने बाप को खो चुके हैं प्रभु, ऐसे बहने, ऐसे भाई जो अपने भाइयों को खो चुकी है प्रभु, ये दुखी है। हम तो शायद ये दुआ करके शायद भूल जाएंगे, ये समाचार सुनकर प्रभु घड़ी दो घड़ी प्रभु हम शायद दुखी हो, पर उनके लिए सारी उम्र का दुख है प्रभु। हम उनके लिए आपकी शांति मांगते प्रभु, उनको शांत बना दीजिए प्रभु, उनको आपकी शांति प्रदान कीजिए प्रभु। उन बच्चों का पालन पोषण प्रभु हो पाए सही रूप से पिता। एक पिता जानता है परमेश्वर, पर वो अब नहीं है अपने बच्चों को संभालने के लिए, पर जितने भी लोग पीछे है प्रभु, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, सिर्फ वो विधवा ही रह गई है उन बच्चों को संभाले हुए। प्रभु ऐसे परिवारों को हम आपके पास लाते पिता, आप शांति और सांत्वना और दिलासा तो दे पर प्रभु आने वाले कल का सामना करने की ताकत भी इन लोगों को दे प्रभु। प्रभु हम मांगते पिता सारा प्रबंध भी, बच्चों का और परिवार का पालन पोषण करने का प्रभु तैयार, प्रभु प्रबंध करे परमेश्वर। प्रभु आप ऐसे लोगों की व्यवस्था करे, ऐसे बच्चों की व्यवस्था करे प्रभु, कि उनको यहाँ वहां मांगने घूमना न पड़े पिता। प्रभु जितनी भी हमारी सरकारी प्रभु सिस्टम है, प्रणाली का है प्रभु, इन सेना के जवानों के लिए प्रभु बहुत ही प्रभु फ्लेक्सिबल होने पाए परमेश्वर, ताकि उनको कहीं भी रुकना न पड़े परमेश्वर। प्रभु आखिर में उन्होंने अपने खून इस देश की सुरक्षा के लिए बहाया है प्रभु, आप अनुग्रह करें ऐसे परिवारों के लिए। हम आज प्रार्थना करना चाहते हैं प्यारो हमारे देश के हर एक सीमाओं के लिए
और हर एक संवेदनशील जितने भी इलाके भारत देश में जहां पर तैनात है, आज हम उन इलाकों पर उन सीमाओं पर अपने हाथों को बढ़ाए प्यारो, और शांति की घोषणा करें, सुरक्षा की घोषणा करें। प्रभु यीशु के नाम में आपको अधिकार दिया है प्यारो, आप एक याजक हो, आपको बोलने का अधिकार दिया है, आपको चुकादे जारी करने का अधिकार दिया है, आपको शांति और आशीष बोलने का अधिकार दिया है। आइए इन जवानों के लिए हम अच्छी सेहत की घोषणा करते प्रभु यीशु के नाम में, आप आमीन बोल सकते हो, इन जो भी घोषणाएं उनके लिए की जाए आप आमीन पीछे बोल सकते हो। प्रभु आज हम यीशु मसीह के नाम में जितने भी जवान प्रभु सरहदों पर प्रभु जिम्मेदारी अदा कर रहे, प्रभु यीशु के नाम में हम सुरक्षा की आशीष इनको देते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में अच्छी सेहत की आशीष इनको देते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में अच्छी बुद्धि की आशीष हम उनको देते हैं, आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते ऐसे जवानों को प्रभु हमेशा कभी भी कोई कमी घटी न हो, इसलिए हम भरपूरी की आशीष देते हैं प्रभु। कहीं भी कोई भी प्रभु सख्ते में या तो ऐसी अवस्था में ये वे ना आ जाए प्रभु, हम यीशु के नाम में शारीरिक और मानसिक प्रभु शांति हम घोषित करते हैं यीशु के नाम में, शारीरिक और मानसिक आशीष की और सेहत की आशीष हम घोषित करते हैं इनके जीवनों के लिए प्रभु। हमेशा इनको बचा के रखे पिता, इनको संभाले प्रभु, इनके आसपास अपने दूतों को रखे परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर हर मौसम की बार से प्रभु इनको बचाए रखना प्रभु, हर एक सीजन में होने वाली बीमारियों की मार से, हर एक वायरल इंफेक्शनों से प्रभु इनको बचाए रखना प्रभु। महामारियों में कहां यहां वहां उधर जब वो जिम्मेदारी अदा कर रहे प्रभु, इनको हर इंफेक्शन से आप बचाना प्रभु। हम इनको आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु, आप संभाले परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाकर कहे प्रभु यीशु का लहू प्रभु हम इन हर एक जवानों के ऊपर, इनके परिवार जन जहां भी है, इनके बच्चे जहां भी है, इन हर एक के ऊपर प्रभु यीशु तेरे लहू को हम लगाते हैं। हर एक सीमाओं पर, समुद्री सीमाओं पर और भूमिगत सीमाओं पर जहां पर सुरक्षा जवान तैनात है, और जो भी अफसर बड़े हैं प्रभु यीशु का लहू इनके जीवनों के ऊपर लगाते हैं प्रभु यीशु का लहू। जहां भी हमारी आर्मी के कैंप है वहां पर हम लगाते हैं प्रभु यीशु का लहू। जहां भी आर्मी के बेस है प्रभु हम, जहां भी हवाई स्थल के बेस है प्रभु, जहां भी समुद्र स्थल के बेस है, उन हर एक जगहों पर यीशु का लहू हम लगाते हैं प्रभु। आप सुरक्षा प्रदान करें पिता, और आने वाले समय में कोई भी हमारा जवान कोई भी आतंकी घटनाओं में या तो ऐसी कोई भी दुर्घटनाओं में शिकार न हो प्रभु। लंबी उम्र लंबी आयु हम हमारे हर एक जवानों के लिए हम प्रभु मांग लेते हैं आपसे पिता, लंबी उम्र उनको दे, लंबी उम्र उनको दे ताकि लंबे तक वो सेवा भारत को दे सके परमेश्वर। यीशु के नाम में अच्छी कामना उनके लिए हम करते हैं आपसे पिता, यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना मध्यस्थी की यद्वा आपके चरणों में लाते पिता, इन जवानों के लिए से कबूल करे पिता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। छोटी हम दुआ करें और उसके बाद हम वचनों से कुछ बातों को आज सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आज हम सभी के साथ आप बात करिए परमेश्वर, आपके वचन को भेजकर हमें आत्मिक मानसिक शारीरिक पारिवारिक हर एक रीति से आप चंगा करिए प्यारे परमेश्वर। हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपको आपके वचन को न सिर्फ हम सुनने वाले बने, उसको ग्रहण करने वाले बने परमेश्वर, उसको जीवन में अमल में लाने वाले बने प्रभु। आप अनुग्रह होने दीजिए ध्यान से आपकी बातों को सीखने के लिए परमेश्वर, क्योंकि ये बातें जीवन को बदलने वाली, जीवनों को आशीषित करने वाली बात है परमेश्वर। ये कोई मनुष्य की बातें नहीं है जो किसी ने कहीं पर बैठकर लिख दी हो, ये तो जिंदा परमेश्वर के वचन है, जिंदा परमेश्वर की बात है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में आपकी बातों को सीखने समझने और जीवन में अमल में लाने का अनुग्रह आप हम सभी को प्रदान करें। जितने भी लोग समझ रहे हैं उनको समझने के लिए अनुग्रह दीजिए, मुझे समझाने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, मनुष्य के ज्ञान के आधार के ऊपर नहीं,
आपकी आत्मा की सामर्थ्य में आपका वचन आज लोगों के बीच ले जाने का अनुग्रह दीजिए प्यारे पिता। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ है प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आप कबूल करें। इस समय के विरुद्ध जो भी दुष्ट आत्मा कार्यरत हो उस हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बांध देते हैं, तोड़ डालते हैं, निष्फल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हम सभी के साथ बात करें प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मात है, आमें आमें। यारो आइए हम हमारे बाइबलों को खोले और वचन से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। यहोशू उसका छठवां अध्याय, यरेखो की जो दीवार थी, यरेखो की जो शहरपनाह थी, वो जो गिराया गया उसे उसके ऊपर विजय हासिल किया गया इज़राइल लोगों के और यहोशू के द्वारा, उसे आज हम सीखना चाहते हैं प्यारो। यहोशू छठवां अध्याय और उसकी कुछ आयत मैं पढ़ूंगा, फिर इससे हम आपको कुछ बातें जो परमेश्वर ने हमें बताई आज आपको सिखाएंगे। यहोशू उसका छठवां अध्याय और पहली आयत यहाँ पर लिखा है, यरीहो के सब फाटक इज़राइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। यरीहो शहर के आजू बाजू जो शहर पनाह थी, दीवार थी, उसके अंदर जो दरवाजे थे, फाटक थे, उसको बंद कर दिया गया था। किसी भी रीति से कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता था, बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। फिर दूसरी आयत हम पढ़े, यहोशू छठवां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। प्रभु ने प्रॉमिस दी कि मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। कैसे? तीसरी आयत, यहोशू छठवां अध्याय और तीसरी आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 6 दिन कुछ भी और काम नहीं करना था परमेश्वर के लोगों को, खासकर योद्धाओं को तलवार नहीं उठानी थी, ना ही कुछ अपनी ताकत बुद्धि का इस्तेमाल अनुभव का इस्तेमाल करना था। सिर्फ एक ही बात तूने करनी थी, 6 दिन तक नगर के आजू बाजू यरीहो शहर के आजू बाजू उनको घूमना था। चौथी आयत, यहोशू 6:4, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। ये जो मार्च थी, ये जो शहर पना के आजू बाजू दीवार के आजू बाजू उनको घूमना था, उसमें अगुवाई कौन करने वाले थे? याजक। वो आगे नरसिंगा फूकते हुए आगे आगे अगुवाई देते थे और उनके साथ उनके पास था वाचा का संदूक जिसमें मूसा के द्वारा प्रभु ने दी हुई 10 आज्ञाएं रखी गई थी। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रॉमिस लिए हुए याजक आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे परमेश्वर के लोग थे, उनके साथ योद्धा थे और नगर के आजू बाजू 6 दिन तक दिन में एक बार उनको घूमना था और 7वें दिन यही बात उनको 7 बार करनी थी। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, 6 दिन तक सिंगल राउंड एक ही बार घूमना था और 7वें दिन उनको नगर के आजू बाजू 7 बार घूमना था। और फिर यहोशू 6:5 में पढ़ना चाहता हूं, और जब वे मेढों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। 7वें दिन उनको क्या करना था? जब याजक नरसिंगे फूंके तब उनको लोगों को जय जयकार करना था, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। ये परमेश्वर की योजना थी, 7वें दिन 7 बार घूमना, फिर जो याजक है नरसिंगा फूकेंगे, उनके नरसिंगा फूकते ही सबको जय जयकार करना है और जब वे जय जयकार करेंगे यरीहो की जो दीवार है
शहर पन्ना है, शहर के आजू बाजू का जो कोर्ट है, किला है, वो नींव से, पाए से ही गिर जाएगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस थी परमेश्वर के लोगों के लिए। और हम जानते प्यारो, परमेश्वर के लोगों ने, यहोशू ने यही किया जो परमेश्वर ने उनको बताया था। और प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु की दया से इस शहर पना, शहर के आजू बाजू का जो कोर्ट था, दीवार था, उसको ढा दिया गया, उसको तोड़ डाला गया और यरीहो शहर ऊपर परमेश्वर के लोगों ने विजय पाई। प्यारो, ये बातें जो हमने आज पढ़ी है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम सीखना चाहते हैं। प्यारो, मेरे और आपके जीवन में भी कई कोर्ट, कई दीवार हो सकती है जो हमें लगे कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। आज आप जब ये वचन सुन रहे हो प्यारो, हम विश्वास करते हैं ऐसी कई दीवार, कई ऐसे बंधनों को प्रभु आज तोड़ने जा रहे हैं। आमेन। अगर विश्वास करते हो तो जोर से बोलिए आमेन। आपके घर में, आपके परिवार में, चाहे कोई भी ऐसी दीवार हो प्यारो, कोई भी ऐसे किले हो, जो बंद द्वार हो, जो शैतान ने बंद कर दिए हो, प्रभु आज उसे खोलने और तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे ये सब हुआ वो आज हम सीखेंगे। जो हमने पढ़ा उसमें बहुत ही अच्छी बात है परमेश्वर आज हमें सिखाने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम उसमें से कुछ सीखे, कुछ डिटेल में हम आपको ये कोर्ट के बारे में, शहर पनाह के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि हम जाने के सही में क्या ये इतना आसान था, सिर्फ नगर के आजू बाजू घूमना, दीवार के आजू बाजू घूमना। क्या ये छोटी पतली कमजोर ऐसी दीवार थी जो लोगों की जय जयकार की ध्वनि के कारण टूट गई? सही में ऐसा था कि लोगों ने जोर से आवाज की और उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि ये दीवार, ये शहरपना टूट गई, ढा गई? हम देखना चाहते हैं दीवार थी कैसे। ये दीवार के बारे में जब हम सुनेंगे प्यारो, देखेंगे, तब हमें पता चलेगा हकीकत में ये काम इतना भी आसान नहीं था। हुआ बहुत आसानी से लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो दीवार थी प्यारो वो सामान्य दीवार नहीं थी। ये जो यरीहो शहर था, यहोशू के जन्म से भी कई सालों पहले बनाया गया था, पुराना शहर था। और ये जो शहर, यरीहो शहर था, उसको फ्लड से, पूर से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए उसके आजू बाजू ये दीवार बनाई गई थी। आप जस्ट सोचिए, फ्लड से, पूर से, पानी के बहाव से इस शहर को बनाने के लिए दीवार बनाई गई थी। तो ये कमजोर दीवार नहीं थी प्यारो, ये बहुत ही ताकतवर, मतलब मजबूत ऐसी दीवार थी प्यारो। ये दीवार प्यारो जो यरीहो शहर के आजू बाजू बनाई गई थी, हम आपको कुछ इमेज बताना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आए कि ये कैसी रही होगी। ये आप पिक्चर देख रहे हो प्यारो, ये जो पिक्चर है आपको इसमें दिखेगा कि ये जो दीवार है प्यारो, एक्चुअल इसमें दो दीवारें थी, सिंगल दीवार नहीं थी। आप बाहर की ओर भी एक दीवार देखोगे और अंदर की साइड भी आपको एक दीवार दिखेगी। बाहर की साइड जो दीवार थी थोड़ी छोटी है और अंदर की साइड की जो दीवार है आपको दिखेगी वो थोड़ी बड़ी थी, वो टावर जैसा था, बड़ा टावर, बड़ी टावर जैसी एक दीवार थी। मतलब यरीहो शहर के आजू बाजू जो दीवार थी वो सिंगल नहीं थी, डबल थी प्यारो। और कैसी डबल थी, दूसरी एक इमेज में आपको बताना चाहता हूं, आपको इससे पता चलेगा कि वो दीवार एक्चुअल कैसी थी। आप ये देख रहे हो प्यारो, ये दीवार को बाहर की ओर एक दीवार है और अंदर की ओर भी एक दीवार है, और ये दोनों दीवार के बीच काफी अंतर था। ये दोनों दीवार के बीच जो जगह थी वो इतनी चौड़ी थी कि लोग उसके ऊपर घर भी बांध सकते थे, और राहाब जो वेश्या थी उसका घर भी यहीं कहीं था जहां उसने यहोशू के जासूसों को छुपाया था, बचाया था। तो ये पूरी रचना थी प्यारो यरीहो के शहर के आजू बाजू जो दीवार थी उसकी। आप
इसे समझिए ताकि आपको पता चले क्या ये दीवार को तोड़ना, इसके ऊपर विजय हासिल करना क्या सही में इतना आसान था, क्या इसे तोड़ पाना इतना आसान था कि सिर्फ लोग आवाज करें जोर से और ये दीवार टूट जाए। आप देख रहे हो प्यारो, दो दो दीवार थी, सिंगल नहीं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, दो दो दीवार से ये यरीहो की, यरीहो का जो कोर्ट था, शहरपना था, वो बना हुआ था प्यारो। तो इसके ऊपर आसानी से विजय नहीं पा सकते थे प्यारो, इसके ऊपर विजय पाना इतना आसान नहीं था। आप दूसरी ये इमेज देख सकते हो प्यारो, एक्चुअल आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बाहर की ओर दीवार के फिरते एक गड्ढा है, आप शायद देख पा रहे होंगे, बाहर की ओर दीवार के फिर घूमते दीवार के आजू बाजू एक गड्ढा है जो बहुत बड़ा था। मैं कुछ इमेज मिनिमाइज कर देता हूं ताकि एक्चुअल जो इमेज आपको दिखाई दे, ओके, ये बड़ी करके आपको दिखाता हूं। आप देख रहे हो प्यारो, यहां पर जो आप देख रहे हो ये बड़ा गड्ढा था और उसके बाद बाहर की दीवार और उसके बाद अंदर की दीवार, बाहर की और अंदर की दीवारों के बीच इतनी लंबी चौड़ी जगह थी कि लोग वहां घर बनाकर रह सकते थे। प्यारो ये जो बाहरी दीवार थी वो करीबन 11.8 फीट ऊंची थी और उसकी जो चौड़ाई थी 5.9 फीट की चौड़ाई थी, 11 मतलब ऑलमोस्ट 12 फीट की ऊंची और 6 फीट की चौड़ी ये बाहर की दीवार थी। और उसके बाद अंदर जो बड़ा टावर था, अपर वॉल थी, अंदर की जो दीवार थी आप ये देख रहे हो वो करीबन 28 फीट हाइट की थी, बहुत लंबी थी ऊंचाई में, और 30 फीट उसकी चौड़ाई थी, 30 फीट चौड़ाई पर। अब सोचिए कितनी चौड़ी दीवारें रही होगी, उसकी हाइट जो ये अंदर वाली दीवार है उसकी हाइट है 28 फीट 28 फीट और जो चौड़ाई है वो है 30 फीट। तो एक बाहरी दीवार है और दूसरी अंदर की दीवार है, और उसमें भी आगे की साइड ये बाहर की दीवार के पास यहाँ पर बड़ा गड्ढा था प्यारो, वो करीबन 2000 फीट के गहरे में ये गड्ढा फैला हुआ था। मतलब आप ध्यान से अब समझ लीजिए प्यारो ये बात को, ताकि हमें पता चले कि क्या इतना आसान था यरीहो के नगर के ऊपर विजय पाना, सिर्फ आवाज की जोर से जय जयकार की और विजय हासिल कर दिया। ना प्यारो, इतना आसान काम नहीं था, ये बाहर की साइड यरीहो के नगर के घूमते गहरे में एक बड़ा गड्ढा था। वो गड्ढा भी प्यारो छोटा नहीं था कि आराम से उसे पार कर सके, 27 फीट चौड़ा था, गड्ढे की चौड़ाई थी 27 फीट चौड़ा और 2.60 मीटर का वो उसकी डेप्थ थी, उंडाई थी प्यारो, 2.7 मीटर गहरा और 27 फीट चौड़ा ये लंबा गड्ढा, और उसके बाद दूसरी अंदर बाहर की दीवार और उसके बाद एकदम अंदर की दीवार। तो प्यारो ये पूरी रचना थी यरीहो की दीवार की, आपने समझा ध्यान से, बाहर की साइड यरीहो नगर के फिरते गहरे में बड़ा गड्ढा है प्यारो, 27 फीट उसकी चौड़ाई, आप समझिए प्यारो 27 फीट चौड़ा गड्ढा है, 2.7 मीटर की उसकी गहराई है, उसके बाद दूसरी एक दीवार है और उसके बाद अंदर की साइड दूसरा एक उससे भी बड़ी दीवार है, आगे गड्ढा उसके बाद दीवार और उसके बाद दूसरी दीवार। तो ये पूरा यरीहो के आजू बाजू का जो कोर्ट था, शहरपना था, उसकी ये रचना थी प्यारो। ये आसान नहीं था परमेश्वर के लोगों के लिए कि इसके ऊपर विजय हासिल कर। आप जस्ट सोचे प्यारो, अगर परमेश्वर ने उनको मदद नहीं की होती तो ये लोग कैसे विजय पाते। बाहर की साइड बहुत बड़ा गहरे में गड्ढा है, उसके अंदर की साइड पहली दीवार और उसके भी अंदर की साइड उससे भी बड़ी चौड़ी मोटी एक और दीवार, और इसके बाद नगर था यरीहो का, नगर यरीहो का शहर।
तो इतने बड़े प्रोटेक्शन के बीच इस नगर पर विजय पाना कितना कठिन है मैं और आप सोच सकते हैं प्यारो। अगर मनुष्य की नजर से देखे तो यह असंभव था, बड़ा गड्ढा कैसे पार करेंगे, उसको पार किया तुरंत दूसरी दीवार है, उसको पार किया तुरंत उसके बाद और एक दीवार है, कैसे पार करेंगे इतनी लंबी चौड़ी ऊंची दीवारों को प्यारो, कब वो तोड़ सकते, तोड़ने बैठते हाथों से हथियारों से कब वो तोड़ सकते ये दीवार को, कितना टाइम जाता प्यारो। मनुष्य की दृष्टि से अगर देखे तो यरीहो नगर पर विजय पाना असंभव था प्यारो, संभव ही नहीं था कि ये नगर को वो लोग पराजित करे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेक्शन, इतना मजबूत प्रोटेक्शन शहरपना के रूप में, दो दो दीवार और एक गड्ढे के रूप में नगर के आसपास था। उससे विजय पाकर हासिल करना वो नगर को परमेश्वर के लोगों के लिए असंभव था, लेकिन प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया प्यारो, हमारे लिए कुछ बातें असंभव हो सकती है, हमारे लिए कुछ बातें उसमें विजय पाना कठिन हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आप ये यरीहो के आजू बाजू जो शहरपना थी उसे देखिए और आप फिर अपने जीवन में जो दीवार है, जो जो कोट है, जो समस्या रूपी दीवार है आपके जीवन में, उसकी ओर देखिए प्यारो। अगर परमेश्वर यरीहो के आजू बाजू जो दीवार थी उसको तोड़ सकता है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी जो दीवार है, जो बाधा है, समस्या है, बीमारी है, सफलता की कमी है, वो हर एक बाधाओं को, दीवारों को तोड़ सकता है प्यारो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के लोगों ने क्या किया वो समझना बहुत जरूरी। हमने देखा दीवार बहुत बड़ी थी, यरीहो नगर के ऊपर विजय पाना थोड़ा भी आसान नहीं था, बाहर बड़ा गड्ढा, उसके बाद पहली दीवार और उसके बाद उससे भी बड़ी दूसरी दीवार, उसके ऊपर विजय पाना, उसे तोड़ पाना असंभव था, लेकिन प्रभु ने उनको विजय दिलाई। तो ये कैसे संभव हुआ, उन्होंने ऐसा क्या किया, कुछ बातें उसमें से हम सीखना चाहते प्यारो, ताकि हम भी हमारे जीवन में जो ऐसी दीवारें है, हमारे जीवन में जो प्रश्न है, समस्या है, उसके ऊपर विजय हासिल कर पाए। हालेलुया प्यारो। आइए हम फिर से यहोशू निकाले, यहोशू उसका छठवां अध्याय और उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहोशू छठवां अध्याय और पहली आयत, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। आपने प्यारो ध्यान से पढ़ा, इतना बड़ा प्रोटेक्शन यरीहो शहर के आजू बाजू है, फिर भी ये लोग परमेश्वर के लोगों से डर रहे। यहाँ पर लिखा है इसराइलियों के डर के मारे लगातार उन्होंने फाटक को, दरवाजों को बंद रखा था। हालेलुया। इतनी बड़ी शहरपना, इतनी बड़ी दीवार है, इतना जबरदस्त मजबूत अभेद प्रोटेक्शन, फिर भी ये लोग डर रहे हैं परमेश्वर के लोगों से। हालेलुया प्यारो, हम आपको कहना चाहते हैं, आप शायद शैतान से डरते होंगे, आप शायद परिस्थितियों से डरते होंगे, आप शायद अपनी बीमारियों से डरते होंगे, आप शायद भविष्य में कुछ बातें होगी आपके लिए चैलेंज जैसी बात होगी जिसके कारण आप डरते होंगे, लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं प्यारो, परमेश्वर जब आपके साथ है शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। शैतान आपसे डरेगा प्यारो जब परमेश्वर आपके साथ है। इसराइलियों में ऐसा कुछ नहीं था यरीहो नगर के लोग उनसे डरे, एक ही बात थी जो इसराइलियों के पास थी, वो था जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, शैतान, दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें मुझसे और आपसे डरेगी। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी यरीहो के लोग डर रहे थे प्यारो। इतनी बड़ी शहरपना, अभेद किले जैसी दो दो दीवारें, फिर भी यरीहो के लोग
इज़राइल लोगों से डर कर दरवाजे बंद करके अंदर अपने आप को पूरे हुए थे। क्यों? कि वो लोग जानते थे इज़राइल लोगों के पास जो है वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जानते थे कि ये लोगों को रोक पाना संभव है। वो जानते थे कि कैसे यर्दन के दो भाग हो गए, कैसे लाल समुद्र के दो भाग हो गए। वो जानते थे ये प्रजा कुछ अलग है, उनके पास जो परमेश्वर है वो कुछ अलग है। हालेलुया। यारो, हमारे शत्रु जानते हैं, शैतान जानता है हम क्या कर सकते हैं और हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, और उसके कारण वो डरते हैं। लेकिन ये सत्य हमें ही पता नहीं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ जो है परमेश्वर वो कितना सामर्थ्य है कि उसके कारण शत्रु भी डरते हैं। और इसी कारण प्यारो हम दीवारों को देखकर डर जाते हैं, हम परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं, हम भविष्य की चिंताओं के कारण डर जाते हैं, हम बीमारियों के कारण डर जाते हैं। डरेंगे हमारे दुश्मन, डरेंगे हमारे शत्रु जब हमारे पास चिंता परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ उठाकर कहिए, परमेश्वर डरेगा तो मेरा शत्रु डरेगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। भले बड़ी बड़ी दीवारें हो मेरे आगे, भले अभेद किले जैसी समस्या हो मेरे आगे, लेकिन प्रभु मैं नहीं डरूंगा जब तू मेरे साथ है। हालेलुया। इजरायली लोगों से ये यरीहो के लोग डर रहे थे। यरीहो यहोशू का छठवां अध्याय और दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने शुरुआत में ही यहोशू को वचन दे दिया कि सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों के समेत तुझे दे देता हूँ। प्रभु ने प्रॉमिस दे दी है यहोशू को। अब उसे विश्वास करना है कि प्रभु की वाचा, प्रभु की प्रॉमिस मेरे साथ है, और उसके ऊपर विश्वास करके यहोशू को आगे बढ़ना था। और यहोशू ने यही किया प्यारो। प्रभु ने जो उसे बोल दिया था, प्रभु ने जो उसे बता दिया था कि विजय तय है, ये प्रॉमिस को उसने पकड़ कर उसके ऊपर विश्वास करके वो आगे बढ़ा। उसने वो ही किया जो प्रभु ने उसे किया था, कहा था। हालेलुया। प्यारो, मैं और आप, हमें ये विश्वास करना है प्रभु जो भी बोलता है वही वो करेगा। प्रभु ने यहोशू को बताया, यरीहो नगर के सुरवीरों को, राजा को मैंने तुझे सौंप दिया। क्या प्रभु ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया प्यारो? प्रभु ने हमें भी कहा है, देखो शत्रु के हर एक पराक्रम पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। क्या प्रभु ने हमें नहीं बताया कि विश्वास जो भी करते हैं उनके हाथों से बड़े बड़े काम होंगे? क्या प्रभु ने हमें नहीं बताया तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा? यहोशू को जो प्रभु ने बताया उसने उसे पकड़ लिया कि प्रभु तूने बोला है इस नगर के सुरवीरों को, राजा को तूने मुझे दे दिया है, विजय दे दिया, मतलब फिनिश। अब मुझे विश्वास से बस आगे बढ़ना है। मैं नहीं देखूंगा कि ये बड़े शहर के आजू बाजू दो दो दीवार है, बड़ा गड्ढा है, हम कैसे विजय पाएंगे। मैं नहीं सोचने वाला, मैं नहीं देखने वाला। मुझे तो बस एक ही बात, प्रभु ने जो बोली है उसे मैंने मुझे पकड़ के रखना है। यहोशू ने प्यारो ये किया, दीवारें नहीं देखी, दो दो दीवारें, बड़ा गड्ढा, कुछ नहीं देखा, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, अभेद है, कुछ नहीं। प्रभु ने बोला मुझे, मैंने तुझे दे दिया है, मतलब फिनिश। उसने विश्वास किया प्यारो, उसने विश्वास किया प्यारो। प्रभु ने जो मुझे और आपको बोला है हमें विश्वास करना है। हाथ उठाकर कहिए, प्रभु जो वाचा है आपने मुझे दी है, जो प्रॉमिस आपने मुझे दी है, जो वचन आपने मुझे दिए है, उसके ऊपर मैं विश्वास करना चाहता हूं। चाहे कुछ भी मेरे सामने हो, मेरी नजर के आगे कुछ भी हो, मैं नजर से नहीं चलूंगा, मैं आपकी वाचा के ऊपर आधार रखकर चलूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने यहोशू को जो बोला उसने पकड़ लिया, कुछ नहीं देखा, बड़ी दीवारों को नहीं देखा, बड़े नगर को नहीं देखा, बस प्रभु ने बोला है मुझे आगे बढ़ना है,
विश्वास करके। प्यारो आइए एक आध दो आयत हम वचन से पढ़े, प्रभु ने हमें क्या बताया है। रोमियो उसका 8वां अध्याय हम निकालेंगे, आपके बाइबल से आप निकालेगा। हम आशा रखते हैं आप भले ही घर में हो लेकिन वचन को बाइबल को लेकर बैठे होंगे। ओके आइए निकाले रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 37 आयत हम पढ़ना चाहते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु आपको ये कह रहा है प्यारो कि मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर है। बोले जयवंत से भी बढ़कर। जो शत्रु शैतान विजेता बनना चाहता है उससे भी आप बढ़कर हो। हालेलुया। आपके अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। ये प्रभु की प्रॉमिस है। क्या उसे पकड़कर चलोगे या दीवारों को देखकर डर जाओगे? प्रभु इतनी बड़ी समस्या कैसे इसमें से बाहर आएंगे? ये समस्या कब खत्म होगी? इसमें से मार्ग कैसे निकलेगा? इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को देखकर मैं और आप होते तो बोलते प्रभु तू तो बोल रहा है लेकिन ये संभव नहीं लगता। बड़ा गड्ढा है उसके अंदर एक दीवार और उसके अंदर दूसरी बड़ी चौड़ी लंबी दीवार। प्रभु यह संभव है? मैं और आप होते तो ये कहते प्यारो। लेकिन यहोशू ने बोल जो प्रभु ने बोला आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर दिया। हालेलुया। आइए एक और आयत हम पढ़े इब्रानियों उसका 2 अध्याय, हिब्रूस उसका 2 अध्याय और 14 और 15 आयत हम पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 2 और 14 में पढ़ूंगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। यीशु ने प्यारो शैतान को निकम्मा कर दिया है। बोले शैतान तू निकम्मा है मतलब कोई काम का नहीं है, तेरा कोई काम मेरे विरुद्ध मेरे परिवार के विरुद्ध नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है शैतान निकम्मा है। मैं और आप कहता है ओ शैतान बहुत शक्तिशाली। मैं और आप कहते हैं वो मुझे डराता है। मैं और आप कहते हैं वो मेरा कुछ काम नहीं होने देता। मैं और आप कहते हैं वो मुझे बार बार परेशान करता है। अरे प्रभु का वचन जो कहता है उसे पकड़ के रखे प्यारो। दीवारों को देखकर डरिए नहीं। दीवारों को देखकर जो मुंह से नहीं बोलना चाहिए नकारात्मक बातें वो मत बोलिए। ये बोलिए कि शैतान तो निकम्मा है क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है। हालेलुया। यहोशू ने वो पकड़ कर रखा जो प्रभु ने उसे बताया। दूसरा कुछ नहीं देखा, आगे पीछे उसने कुछ नहीं देखा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत हम पढ़ना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 8वीं आयत मैं आधे से पढ़ता हूं ताकि समय बचा सके। ध्यान से आप सुनिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ये परमेश्वर के वचन है प्यारो। प्रभु जो मेरे साथ है आपके साथ है प्यारो, उसने शैतान को निकम्मा कर दिया है प्यारो। उसने शैतान के कामों का नाश कर दिया है प्यारो। प्यारो वो परमेश्वर जो हमारे साथ है वो ये दुनिया में जो है उससे भी बढ़कर है और उस पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। आए प्यारो फिर से हम यहोशू में आ जाए। यहोशू में उसका 6वां अध्याय फिर से आप अपने बाइबल से निकालेगा। प्रभु ने यहोशू से बताया कि ये नगर को उसके सुरवीरों को राजा को मैंने तुझे दे दिया है। यहोशू ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, ना ही वो दीवारों को देखकर चिंता की कि प्रभु तू बोल रहा है कैसे होगा, कुछ नहीं। उसने सिंपली सरलता से प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कर लिया। तीसरी याद यहोशू 6 और उसकी 3 याद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए
और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ो के सिंगों के साथ नरसिंह लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंह फूंकते हुए चले। और 5वें आयत में बताता है 7वें दिन आपको क्या करना है, 7 बार नगर के आजू बाजू प्रदक्षिणा करनी है, घूमना है, और बड़ी ध्वनि से जोर से जय जयकार करना है। और फिर क्या होगा, ये बड़ी सी जो दीवारें है वो ढह जाएगी, शहरपना को प्रभु तोड़ देगा। ये प्रभु की प्रॉमिस थी। प्यारो कुछ बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें सीखनी है। प्यारो अगर मैं और आप होते तो हमारे पास इस नगर को पराजित करने के लिए, इस दीवारों को तोड़ने के लिए कोई और योजना होती। हम एज ए योद्धा सोचते कि क्या करें इस बड़ी दीवारों को तोड़ने के लिए। हम सोचेंगे कि ताकत लगाएंगे, हथियारों की ताकत लगा देंगे, नए हथियार खरीदने बनाने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा इस दीवारों को तोड़ने के लिए। हम होते तो योद्धा होने के नाते कुछ हमारी योजनाओं को अमल में लाते, उसके ऊपर विचार करते और उसको हाथ में लेकर आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ वो ही किया गया जो प्रभु ने यहोशू और उनके लोगों को बोला था। उनकी योजनाओं को उन्होंने बाजू पर रख दिया। कई युद्ध ये लोग लड़ चुके थे प्यारो, उनके पास अनुभव था युद्ध लड़ने का, उनके पास शायद हथियार होंगे प्यारो, बहुत कुछ ये लोग अपनी रीति से भी कर सकते थे। लेकिन प्रभु ने जो बोला वो फुल एंड फाइनल, वो योद्धाओं ने हथियार का उपयोग नहीं किया, वो योद्धाओं ने अपनी योजना, अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपने जो अनुभव थे उसका उपयोग न किया, सिर्फ वो ही किया जो प्रभु ने उनको बोला, जबकि वो मानना कठिन था। योद्धा होने के नाते कौन ये मान लेगा कि ये नगर के आजू बाजू प्रदक्षिणा करने से, घूमने से ये बड़ी बड़ी दो दो दीवारें ढा जाएगी। योद्धा होने के नाते कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यहोशू ने और उसके योद्धाओं ने और इजरायली लोगों ने प्रभु की योजना को अमल में, उन्होंने प्रभु की योजना को माना, अपनी योजना को बाजू पर रख दी। भले ही प्रभु की योजना माननी कठिन थी उनके लिए, उसके ऊपर विश्वास करना कठिन था, सिर्फ प्रदक्षिणा करने से कोट कैसे टूट जाएगा ये विचारों के मन में आए होंगे प्यारो, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की योजना को माना और वो ही योजना के अनुसार वो चले। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपनी ताकत, सब कुछ उन्होंने बाजू पर रख दिया। प्यारो कई बार हमारे जीवन में हो सकता है हमारी योजना और प्रभु की योजना अलग अलग हो। हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते थे, हमारी योजना में नहीं था, हमने प्लान नहीं किया था, हमें लगता है ये सब क्या हो रहा है, मैं तो ये नहीं चाहता था, प्रभु ये सब क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्रभु की योजनाओं के ऊपर विश्वास करें प्यारो। उसकी योजनाएं यर्मिया 29:11 के अनुसार आपके लिए जो है वो लाभ ही की है, हानि की नहीं है। उसकी योजनाओं के ऊपर भरोसा करें। आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में अभी कुछ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कुछ उटपटांग गड़बड़ हो रहा है, अगर आपका जीवन आपने प्रभु के हाथों में सौंपा है, उसके नियंत्रण तले आप हो, वो आपके जीवन में उसकी योजनाओं को पूरी कर रहा है। शायद वो योजना आपकी योजना से मेल ना भी खाए, शायद आप जो देखना चाहते हो वो भी अभी आप ना भी देखते हो। छोटा विश्वास रखे, भरोसा रखे, आखिर में यरीहो की दीवारों को वो तोड़ कर बताएगा, आखिर में वो विजय को हासिल करके दिखाएगा आपको प्यारो। भरोसा करें उसकी योजनाओं पर, भले वो आपकी योजना से अलग है, भले वो आपके दिमाग में नहीं बैठती, अभी जो हो रहा है आपकी समझ से परे है, अब ये सोच रहे हो ये सब क्या हो गया, प्रभु के नियंत्रण में प्यारो। जब उसकी योजनाओं के अनुसार आप चलोगे प्यारो, कुछ भी उसके नियंत्रण से परे नहीं जाएगा। हालेलुया। हाथ उठा कर कहे, प्रभु मेरी योजना आपकी योजना से अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपकी योजना के अनुसार चलूंगा, भले आपकी योजना मेरी समझ में ना आए,
भले मुझे लगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये विश्वास रखूंगा कि आपकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ ही की, और आपकी योजना के अनुसार ही मैं चलू। हालेलुया, आमीन। प्रभु से कहिए कि प्रभु भले समझ में आए या ना आए, यहोशू और उसके लोग अधीन हो गए, योद्धा थे, अच्छे योद्धा थे, बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, लेकिन प्रभु ने ये जो बात बोली उन्होंने अपना दिमाग नहीं लड़ाया, उन्होंने अपने विचार नहीं रखे, उन्होंने सिंपली सरलता से उससे अधीन होना पसंद किया। हालेलुया, और उसी के कारण वो विजय को देख पाए। क्यों विजय को देख पाए? प्रभु की योजना के आगे उन्होंने अपनी योजनाओं को बाजू पर रख दिया। क्या प्यारो आप अपनी योजनाओं को लेकर दौड़ रहे हो, अपनी योजना अपनी इच्छा को पकड़ कर आप चल रहे हो? यरीहो की दीवारें वहीं की वहीं रहेगी, वो नहीं टूटेगी, विजयों को आप नहीं देख पाओगे जब आप अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ोगे। मुझे और आपको प्रभु से कहना है, प्रभु तेरी योजना तेरी इच्छा प्रभु तू मेरे जीवन में पूरी कर। जब प्रभु की योजनाओं को लेकर आप बढ़ोगे, बड़े बड़े विजयों को देखोगे, बड़ी बड़ी दीवारों को ढाते और टूटते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। यारो जो भी उनको कहा गया उन्होंने डाउट नहीं किया, शंका नहीं की। जो भी उनको बोला गया उन्होंने ये नहीं पूछा प्रभु से कि प्रभु क्या आप सचमुच ये हमें करने के लिए बोल रहे हो? ये तो मूर्खतापूर्ण कदम होगा, इतनी बड़ी दो दो दीवार है और उसके आजू बाजू हम सिर्फ घूमे और सातवें दिन सात दिन घूमकर बड़ा जय घोष करेंगे और ये दीवारें टूट जाएगी? प्रभु ये आप हमें करने को बोल रहे हो तो मूर्खतापूर्ण कदम है। ये बड़ी बड़ी दीवारें हमारे आजू बाजू घूमने से कैसे टूट सकती है? प्रभु जो भी कहता है प्यारो हमारी दृष्टि में शायद वो मूर्खता लगे, समझ में आए या ना आए, डाउट नहीं करना है। वो बातें जो प्रभु ने बोली है आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, इन लोगों ने डाउट नहीं किया कि प्रभु कैसे होगा, इन्होंने डाउट नहीं किया, प्रभु ने जो कहा बस उससे वो आधीन हो गए। यारो कुछ लोगों को जब हम बताते हैं आप प्रेयर करिए, आप बाइबल पढ़िए, ये बातें उनको सिंपल लगती है, वो तुरंत अपने प्रश्न के ऊपर आकर बोलते हैं, लेकिन ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, ये समस्या, वो समस्या, हम उन्हें बताते हैं, हम आपको समाधान ही तो दे रहे हैं। उनको लगता है भाई ये सिंपल बाइबल पढ़ने से दुआ करने से क्या हो जाएगा। यारो कुछ बातें जो प्रभु हमें कहता है हमें लगता है इससे क्या होगा, लेकिन वही बातों को जब हम अधीन हो गए बड़ी बड़ी दीवारों को हम टूटते हुए देखेंगे। हालेलुया, हमें कुछ मजबूत चाहिए, हमें परमेश्वर जब कुछ बातें बोलता है हमें यह विश्वास नहीं आता, प्रभु इससे कुछ नहीं होगा, प्रभु तू कुछ अलग कर, जो बोल रहा है प्रभु वो ही करिए, डाउट मत कीजिए, शंका मत लाइए कि प्रभु ये करने से क्या ये समस्या हल हो जाएगी, मैं सिंपल दुआ करूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, उसको क्लेम करूंगा, उसका दावा करूंगा, प्रभु ये दीवारें ढा जाएगी, जरूर ढाएगी प्यारो। ये लोगों ने डाउट नहीं किया, शंका नहीं लाए, अपनी समझ को बाजू पर रखा, बस प्रभु को आधीन हुए। हालेलुया प्यारो, जो दूसरी मुख्य बात हमें इससे सीखनी है, उन्होंने सात दिन तक ये किया, ये बात आपको ध्यान से सीखना है प्यारो। अधीनता कुछ दिनों के लिए नहीं चलेगी प्यारो, ये लोग परमेश्वर को तीन दिन चार दिन दो दिन अधीन रहकर ये करना अगर बंद कर देते यरीहो की दीवार नहीं टूटती। इन लोगों ने सात दिन तक जो प्रभु ने बोला था उस समय तक अधीन होकर वो उन्होंने किया प्यारो, आधे रास्ते में बीच रास्ते में अधीनता को छोड़ नहीं दिया प्यारो। प्रभु हमें कुछ बातों में धीरज रखना सिखाएंगे प्यारो, कुछ प्रार्थना के जवाब शायद अभी भी नहीं मिले होंगे, कुछ बीमारी अभी भी नहीं हो गई होंगी, कुछ समस्या अभी वहां का वहीं की वहीं है, कुछ द्वार अभी भी बंद है। हमें प्यारो जब तक दीवार न टूटे तब तक अधीन रहना है और प्रभु ने जो बताया वो करते रहना है, तब तक दुआ करना है, तब तक वचनों के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है,
कई लोग बीच रास्ते में ही हथियार डाल देते हैं। प्रभु 3 दिन हो गए ये दीवार लगता नहीं है टूटेगी, 3 दिन बाद घूमते घूमते देखें प्रभु ये तो बहुत बड़ी दीवार है, इसे घूमने से क्या होगा यार। उन्होंने 2-3 दिन के बाद अगर अधीनता बंद कर दी होती, अधीनता रख दी होती, तो ये दीवार को टूटते हुए नहीं देख पाते यार। उन्होंने जो समय प्रभु ने तय किया था, जब तक दीवार नहीं टूटी तब तक पूरी अधीनता के साथ प्रभु ने जो कहा था वो करते रहे। हालेलुया। कई लोग बीच रास्ते में ही अधीनता प्रभु की छोड़ देते, प्रभु को कहते हैं प्रभु अब लगता नहीं कुछ होगा। तब तक आप प्रभु को अधीन बने रहे जब तक आप यरीहो की दीवारों को टूटता हुआ नहीं देखते, आपके प्रश्नों को दूर होता हुआ नहीं देखते। वो समय तक हमें अधीनता में बना रहना है प्यारो। बीच रास्ते में हथियार मत डाल दीजिए, बीच रास्ते में प्यारो हथियार मत डाल दीजिए। हमें तब तक अधीनता में बना रहना है प्यारो जब तक प्रभु हमें विजय ना दिलाए। यारो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हेनरी रूमडन, उन्होंने एक बात बताई कि एक व्यक्ति था जिसके पास सोने की खदान थी। उसे पूरा भरोसा था कि ये जो सोने की खदान है, सोने की खान है, उसमें सोना है। और उसने क्या किया, वो सोने तक पहुंचने के लिए 1 माइल लंबी टनल खोदी और उसके पीछे $1,00,000 का खर्च किया। $1,00,000 खर्च किए, 1 माइल लंबी टनल खोदी। 1.5 साल तक उसने मेहनत की। डेढ़ साल तक मेहनत करने के बाद 1 माइल लंबी टनल खोदने के बाद भी उसे सोना नहीं मिला। उसने क्या किया, उसने बीच रास्ते में काम बंद कर दिया। उसको लगा अब कुछ नहीं होगा, सोना बोना नहीं मिलने वाला। $1,00,000 खर्च करने के बाद 1.5 साल के बाद उसने हथियार डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े ही समय के बाद दूसरी एक कंपनी वहां पर आई और उन्होंने यही काम को, यही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और वही काम उन्होंने हाथ में लिया जहां से वो काम रोक दिया गया था और आगे खदान में खोद काम उन्होंने शुरू किया। और जब वो खोद रहे थे, वहां खोद काम चालू था खान में, जब वो काम कर रहे थे, थोड़े ही दिनों में वो सोना उनके हाथ में लग गया, थोड़े ही दिनों में। अब आप वो व्यक्ति के विषय में सोचिए जिसने 1.5 साल तक मेहनत की, लाखों रुपये खर्च कर दिए और वो जो पाना चाहता था बस उसके आगे ही था, बस थोड़ी धीरज रखनी थी, लेकिन उसने बीच रास्ते में वो काम बंद कर दिया। उसकी मेहनत, उसका समय, उसके पैसे सब कुछ व्यर्थ गया। क्यों? क्योंकि उसने आधे रास्ते में वो काम बंद कर दिया। कई विश्वासी लोग भी ऐसे है प्यारो, खजाना बस हाथ में ही आने वाला होता है, बीच रास्ते में वो काम बंद कर देते हैं, बीच रास्ते में प्रेयर करना बंद कर देते हैं, बीच रास्ते में उपवास करना, बीच रास्ते में विश्वास करना बंद कर देते हैं, आशा रख देते हैं अब कुछ नहीं होगा प्रभु, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। प्यारो बस खजाना हाथ में ही होता है और बीच रास्ते में वो काम छोड़ कर चले जाते हैं। यहोशू और उसके लोगों ने ऐसा नहीं किया प्यारो, उन्होंने जब तक यरीहो की दीवार तोड़ी नहीं गई तब तक विश्वास किया, तब तक वो जो करना था वो करते रहे प्रभु के ऊपर भरोसा करके। क्या प्यारो आप में से कोई है जिन्होंने बीच रास्ते में काम बंद कर दिया है, बीच रास्ते में अधीनता छोड़ दिया, बीच रास्ते में विश्वास छोड़ दिया, बीच रास्ते में दुआ करना, प्रार्थना करना बंद कर दिया है? ऐसे कई लोगों को हम मिलते हैं, वो हमें मुंह पर बोलते हैं अब मैं दुआ नहीं करूंगी, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। हम बोलते हैं तो मत पढ़िए, परमेश्वर के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप आपके लिए पढ़ रहे हो। प्यारो हम जैसे परमेश्वर के ऊपर उपकार करते हो, प्यारो इन लोगों ने जो काम करना था वो 2-3 दिन नहीं, 7 दिन तक, जब तक यरीहो की दीवार नहीं टूटी तब तक जारी रखा। हालेलुया। हाथ उठाकर कहे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करना, दुआ करना, वचन पढ़ना तब तक जारी रखूंगा, अधीनता में बने रहना तब तक जारी रखूंगा जब तक मैं दुआओं का जवाब ना देखूं। मैं बीच रास्ते में दुआओं को नहीं बंद करूंगा, मैं बीच रास्ते में मेरी आशा को, विश्वास को नहीं तोड़ूंगा।
मैं तब जब तक विजयी को न देखो मैं विश्वास में दुआओं में बना रहूंगा। हालेलुया। यार उन लोगों ने आधे रास्ते में अगर विश्वास छोड़ दिया होता, दो तीन दिन के बाद घूमना और विश्वास से इस यरीहो की दीवारों के आजू बाजू घूम कर ये मानना छोड़ दिया होता कि प्रभु विजय दिलाएंगे, सचमुच ये लोग विजय हासिल नहीं कर पाते। प्यारो आखिरी 5-7 मिनट में प्यारो मैं पूरा करना चाहता हूँ, काफी बातें, लेकिन मैं वही बातें आपको बताऊंगा जो मेरे और आपके लिए उपयोगी है प्यारो, ताकि वही बातों को हम आज सीख कर इस चर्च सर्विस को पूरी कर पाए। प्यारो ये लोग जब घूम रहे थे, आपको शायद वचन में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूं यरीहो के लोग शायद उनके ऊपर हंसते होंगे, यरीहो के लोग उनके ऊपर हंसते भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे जो उनके ऊपर हंसते होंगे, उनकी मजाक करते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दीवारों को कैसे वो ढा सकते सिर्फ उसके आजू बाजू घूम कर। यार वो लोगों ने उनकी मजाक की होगी, उन लोगों ने उनको बताया होगा कि ये आप मूर्खतापूर्ण कदम उठा रहे हो, ये संभव नहीं है सिर्फ इसके आजू बाजू घूम कर इसको आप मानते हो कि हम तोड़ डालेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन प्यारो इन लोगों ने प्रभु ने जो कहा था वो जारी रखा। आप देख सकते हो प्यारो इस पिक्चर में ये लोग आजू बाजू घूम रहे हैं, प्रभु ने जो बोला था वो कर रहे हैं, और ऊपर से शहर पना के ऊपर से दीवार के ऊपर से यरीहो के सैनिक उनको साथ देखते होंगे। प्यारो ये लोग हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे कि ये लोग पागल हो गए, ये आजू बाजू घूम रहे और ये मान रहे कि ये दीवार को, इतनी बड़ी दीवार को, और एक नहीं दो दो दीवार को ये सिर्फ आजू बाजू घूमने से तोड़ देंगे। ये लोग उनका मजाक बनाते होंगे, उनको उनका हौसला तोड़ने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया होगा, उनके ऊपर हंसते होंगे प्यारों। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने दूसरे लोगों की ओर क्रिटिसिज्म पर उनकी विरुद्ध जो बातें हो रही थी उसके और नहीं देखा प्यारों, उनकी जो मजाक उड़ाई जाती होंगी उसकी ओर नहीं देखा, दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या सोचेंगे उसकी ओर नहीं देखा, उन्होंने तो वो ही किया जो प्रभु उन्हें करने को बोला था। हालेलुया। कई लोग आपको बोल सकते हैं बहुत हुआ यीशु यीशु, तूने यीशु पर विश्वास किया क्या मिला, आपकी मजाक उड़ाएंगे, तू तो बहुत दौड़ दौड़ के चर्च में जाती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, क्या मिला। शैतान भी कान में आकर बोलेगा बहुत प्रभु प्रभु करती थी तुझे क्या मिला, अभी तो कोर्ट वहां का वही है, ये तू मूर्खता कर रही है, अरे दुआ करना, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु को प्रेम करके कितनी सारी बातें तूने छोड़ी है, ये सब तेरी मूर्खता है। शैतान और लोग प्यारो आपके पीछे कई बात बोल सकते हैं आपका हौसला तोड़ने के लिए, लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने जो कहा है प्यारो वो जारी रखना है। इन लोगों ने दूसरे लोगों की नहीं सुनी प्यारो, इनकी मजाक उड़ाई जाती होगी, इनके विरुद्ध कई बातें बोली जाती होंगी, इनको बोला जाता होगा कि आप मूर्खता करो, ये बड़ी दीवार नहीं ढाएगी आपके आजू बाजू घूमने से, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने एक ही बात सुनी जो प्रभु ने उनको बोली थी। प्यारो क्या आपके आजू बाजू के कुछ आवाज आपको आपकी प्रभु के पीछे चलने की दौड़, आप प्रभु के पीछे जो चल रहे उसमें आपको रुकावट डालते हैं प्यारो, उसमें आपको धीरा कर देते हैं, आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, आपको कुछ लोग हैं जो ऐसा कुछ बोल जाते हैं आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि सचमुच प्रभु के पीछे चलने से मुझे ये मिलेगा भी नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी दुआएं सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, दूसरे की आवाज को सुनकर आपके मन में डाउट आता है। यारो शैतान ये इसीलिए करता है क्योंकि वो जानता है यरीहो की दीवार टूटने वाली है, आपको विजय प्रभु दिलाने वाला है, बड़े काम आपके लिए करने वाला है, और इसीलिए आपकी प्रदक्षिणा को, आपकी दौड़ को, आपकी विश्वास की दौड़ को, कदम को रोकने के लिए लोगों का इस्तेमाल भी वो कर सकता है। हमारे हाथ में लोगों की बातों को सुनना या प्रभु की बात को पकड़ कर रखना।
इन लोगों ने किसी का नहीं सुना, भले उनकी मजाक उड़ाई गई हो, कुछ भी बोला गया, कुछ नहीं सुना, उन्होंने तो प्रभु ने जो बोला था वो ही पकड़ कर रखा। हालेलुया। और इसी कारण प्यारो उन्होंने विजय को देखा। आखिरी दिन जो उन्हें करना था प्यारो वो था जय घोष, जय जयकार। छह दिन तक उन्होंने हर रोज एक एक राउंड शहर शहर के आजू बाजू घूमा, वो एक एक राउंड घूमते रहे हर रोज, और सातवें दिन सात बार घूमे। और उसके बाद जब याजकों ने नरसिंहापुर का उनको बोला गया था आपको जोर से जय घोष करना है, जय जयकार करना है, विजय को विजय की घोषणा करनी है, और ये वहां लिखा है जब आप जय जयकार करोगे तब ये शहर के आजू बाजू जो दीवार है, कोर्ट है, शहर पना है, वो नींव से इसके पाए से ही इसे गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। प्यारो हमें दीवारों के सामने खड़े होकर जय जयकार करते हुए सीखना है, हमें दीवारों के सामने देखकर जय जयकार करते हुए सीखना है। प्यारो हम दीवारों के सामने जब खड़े होते तब क्या करते, हमारी बीमारी, हमारे प्रश्नों, हमारी कमी, हमारी गति, जेब खाली जब आप देखते हो तब आप क्या करते हो प्यारो? नौकरी में, बिजनेस में जब कमी घटी आती है, तकलीफ आती है, दीवारों को देखकर आपका रिएक्शन क्या होता है? परिवार में जब आपके सामने प्रश्न होते हैं, अशांति होती है, झगड़े होते हैं, दीवार आपके सामने होती है, क्या जय जयकार करते हो आप? या मुंह से कुड़कुड़ाहट बार आती है, या आप निराश हो जाते हो, नहीं बोलने वाली चीज आप बोलने लगते हो? दीवारों के सामने खड़े होकर प्यारो जय घोष करना, जय जयकार करना, आराधना करना, विजयों की घोषणा करना हमें सीखना है। हालेलुया। आज प्यारो जब हम दुआ में जाए, आपकी जो भी दीवार हो, भले वो बड़ी हो, चौड़ी हो, लंबी हो, अभेद हो, आपके प्रश्न कितने भी बड़े क्यों ना, उसके सामने देखकर आज जय जयकार करे, प्रभु को धन्यवाद दे, कहे प्रभु दीवारों के सामने देखकर भी मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। दीवारों के सामने खड़ा रहूं तब मैं निराश नहीं होना चाहता, दीवारों को देख मेरा विश्वास तोड़ना नहीं चाहता, टूटने देना नहीं चाहता, दीवारों के सामने ही खड़ा रहकर मैं तेरी जय जयकार करना चाहता हूँ। और जब आप जय जयकार करोगे, आपके जीवन में जितनी भी दीवार है, प्रश्न है, समस्या है, बीमारी है, उसे प्रभु तोड़ डालेगा, उसे प्रभु दूर करेगा, आपको भी वही विजय दिलाएगा जो इस्राएल लोगों को दिलाया, और जो प्रभु ने उनको बोला था प्यारो वो प्रभु ने पूरा किया। जब सातवें दिन सात बार प्रदक्षिणा करके घूम के उन्होंने दीवारों के आगे जय जयकार किया, प्रभु ने वो दीवारों को नींव से तोड़ डाली और यरीहो शहर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। कनान देश में प्रवेश करने पर ये पहला शहर आता था प्यारो, जो प्रॉमिस लैंड थी, प्रभु ने जो वाचा दी थी कि मैं तो आपको जो प्रॉमिस लैंड है, कनान देश है, वो दूंगा, वो कनान देश में प्रवेश करने का ये पहला कदम था यरीहो शहर, और प्रभु ने उनको ये पहले कदम पर अद्भुत विजय दी। हालेलुया। ताकि वो आगे बढ़कर वो वाचा का जो देश था उसके ऊपर कब्जा कर पाए। यारो हमें सीखना है दीवारों के सामने खड़े होकर भी कुड़कुड़ाहट नहीं करते, निराश नहीं होते, विजयों की घोषणा करना, जय जयकार करना हमें सीखना है। आइए हमारी आंखों को बंद करें और हम दुआ में जाए। प्यारो जो बात हमने सीखी आए प्रभु के पास ले जाए, प्रभु से कहे कि प्यारो प्रभु से आप मांगे कि प्रभु इन बातों के अनुसार जो मैंने सीखे उसके अनुसार करने का अनुग्रह आप मुझे दो। जो भी बात है आपने प्रभु से सीखी है प्यारो, प्रभु ने आपको बताई है, उसके अनुसार मांगे। प्यारो यरीहो का कोर्ट छोटा कोर्ट नहीं था कि लोग सिर्फ जोर से आवाज करें और वो टूट जाए, वो बड़ी शहर पना थी, किला था प्यारो, अभेद किला था, बाहर बड़ा सा गड्ढा था, उसके अंदर पहली दीवार थी और उसके अंदर उससे भी बड़ी चौड़ी लंबी ऊंची दूसरी दीवार। ये आसान नहीं था यरीहो के कोर्ट को तोड़ना प्यारो, लेकिन जब परमेश्वर की योजना के ऊपर ये लोग चले, ये वो कोर्ट को, शहर पनाह को बिना हथियार उठाए, बिना ताकत के इस्तेमाल करे उन्होंने गिरा दिया प्यारो।
आइए प्रभु से कहे, प्रभु मेरे प्रश्न कितने भी बड़े क्यों ना हो, यरीहो की दीवारों के समान मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, मेरी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है, मेरे पैसों की कमी, प्यारे परमेश्वर कोई भी प्रश्न कितने भी बड़े क्यों ना हो, दीवारें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तू उसे तोड़ने की ताकत रखता है। हाथ उठाकर कहे प्यारो, विश्वास को जाहिर करे, कहे प्रभु तू मुझे योजना दे, मैं कैसे ये दीवारों के ऊपर विजय पाऊं, मैं कैसे इस दीवार को टूटते हुए देखूं, मैं मेरी योजना के ऊपर नहीं चलना चाहता, मैं मेरी योजना बाजू पर रखता हूं प्रभु, मैं आज से आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, मुझे इस दीवारों को टूटती हुई देखनी है, मुझे इस दीवारों को टूटती हुई देखनी है। आप जो भी आपकी दीवार है, आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, उसके सामने देखते हुए कहे प्रभु इस दीवारों को मैं टूटता हुआ देखना चाहता हूं, मुझे आप योजना दे, जैसे यहोशू को दे, उनको ताकत का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला प्रभु ने, उनको प्रभु ने नहीं बोला हथियार उठाने के लिए, प्रभु ने उनके लिए कुछ अलग योजना रखी थी, सिर्फ घूमना था। प्रभु के पास आपके लिए योजना है कि कैसे आपके जीवन में जो दीवार है, यरीहो रूपी जो कोट है, किले है, उसे तोड़ दिया जाए। मांगिए प्रभु तू मुझे योजना बता, तू मुझे बता मुझे किस तरह से मेरे जीवन में विजय को हासिल करना है। प्रभु से कहे प्रभु मेरी योजनाओं को मैं बाजू पर रखता हूँ, मेरी इच्छाओं को मैं बाजू पर रखता हूँ, आज से मैं तेरी योजना के अनुसार चलो, ताकि यरीहो के कोट को मैं टूटता हुआ देखो। प्यारो यहोशू को प्रभु ने बोला, इससे पहले कि वो काम शुरू करे इस नगर के ऊपर विजय पाने का, उससे पहले ही प्रभु ने उसे बता दिया, तुझे मैंने यरीहो के सुरवीरों को, राजा को सौंप दिया है, मैंने तुझे ऑलरेडी विजय दे दी है, बस तुझे मैं जो बोल रहा हूँ वो करके उसे हासिल करनी है। प्रभु ने आपके लिए विजय हासिल कर दी है प्यारो, यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है प्यारो, शैतान के लिए वचन में लिखा है वो निकम्मा ऑलरेडी ठहराया गया है, वो बिना काम का है, कोई काम का नहीं, उसका कोई काम प्रभु सफल होने नहीं देगा प्यारो। ऑलरेडी आपके लिए विजय रेडी है, तैयार है, ऑलरेडी यरीहो की दीवारों को तोड़ने के लिए प्रभु ने योजना बना दी है, सिर्फ आपको विश्वास करना है प्यारो प्रभु की योजनाओं पर। प्रभु से कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं विजय को हासिल करूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए विजय को हासिल करके रखा है प्रभु। प्रभु ने हमें प्रॉमिस दे रखी है, शत्रु के हर एक पराक्रम पर मैं आपको अधिकार देता हूं, प्रभु ने आपको मुझे वचन दिया है, प्यारो उस वचन पर विश्वास रखें। जो यहोशू को बोला गया बस उसने पकड़ कर रखा, आजू बाजू कुछ नहीं देखा, बड़ी दीवारों को नहीं देखा, प्रभु ने बोला है मुझे विजय मिल गया, मतलब फिनिश। प्रभु ने आपको बताया है, वचन से बोला है प्यारो, मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, फिनिश प्यारो। उसे पकड़ कर रखे, दीवारों की ओर मत देखे, अभी भी दीवार हो सकता है वहीं पर हो, अभी भी प्रश्न हो सकता है वहीं पर हो, प्रभु ने जो बोला है उसे पकड़ कर रखे। कहिए प्रभु यहोशू को जैसे आपने बताया उसने वो पकड़ कर रखा, मैं आज आपने जो मुझे प्रॉमिस दिए, वचन दिए, उसे पकड़ कर रखो प्रभु, दीवारों की ओर ना देखो, प्रश्नों की ओर ना देखो, आपने जो मुझे बोला है उससे मैं पकड़ कर रखो। हालेलुया प्यारो, यहोशू ने उसके लोगों ने बीच रास्ते में प्रभु की अधीनता रख नहीं दी, उन्होंने तब तक प्रभु ने जो कहा था वो किया जब तक दीवार ढा नहीं गई, जब तक विजय हासिल नहीं हुआ। मुझे और आपको जब तक दुआ के जवाब नहीं मिले तब तक दुआ जारी रखनी है, तब तक वचन के ऊपर का विश्वास बनाए रखना है, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है, तब तक फाइट करते रहना है प्यारो। बीच रास्ते में हथियार नहीं रखने है, बीच रास्ते में निराश होकर हार नहीं माननी है प्यारो। अगर आप हार मान रहे हो, आप निराश हो गए हो, 2, 4, 5 साल, 10 साल हुए और आपकी दुआओं का जवाब नहीं देखने पर बीच रास्ते में आपने आशा छोड़ दिए, आज से फिर से विश्वास करें प्यारो, बीच रास्ते में हथियार नहीं रखने प्यारो। जब तक दीवार गिरा ही ना जाए तब तक हमें आगे बढ़ना जारी रखना है। हमने देखा वो व्यक्ति ने सोने की खदान में काम शुरू किया, बस हाथ में ही था सोना, लेकिन हार मानकर बीच रास्ते में उसने काम छोड़ दिया, खजाना उसके हाथ में ही था लेकिन उसने गवा दिया। प्यारो आपकी दुआओं के जवाब रास्ते में आपके हाथ में ही है, बस मिलने ही वाले हैं प्यारो। आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा, आपके लिए खुले द्वार बस एकदम नजदीक है, ऐसा न हो बीच रास्ते में बस वो प्रार्थना का जवाब एकदम नजदीक हो। अब बीच रास्ते में विश्वास को छोड़ दो, आशा को छोड़ दो, निराश होकर प्रार्थना करना
बंद कर दो, ऐसा ना हो प्यारो। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं प्रार्थना जारी रखूंगा, मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं वचन पर विश्वास में बना रहूंगा जब तक मेरे जीवन में दीवारों को टूटता हुआ ना देखो। हालेलुया प्यारो, कहिए प्रभु से कि प्रभु इज़राइल लोग दीवार के सामने खड़े थे, अब भेद किला था, फिर भी उन्होंने जय जयकार किया, दीवार के सामने खड़े होकर निराश नहीं हुए। अब क्या होगा, इतनी बड़ी दीवार, सिर्फ हम पुकारेंगे और क्या ये गिर जाएगी? डाउट नहीं किया प्यारो, शंका नहीं की, दीवारों के सामने खड़े होकर ही उन्होंने जय जयकार किया। क्या आप अपनी बीमारी को सामने देखने पर भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो प्यारो? अपने प्रश्नों को सामने देखने पर भी आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो? अपनी कमी घटी को अपने सामने खड़ा हुआ देखने पर भी क्या आपके मुंह से जय जयकार बाहर आ रही है या और कुछ बाहर आ रहा है? कहिए प्रभु से, प्रभु दीवार मेरे सामने क्यों ना हो, कोर्ट मेरे सामने क्यों, मेरे प्रश्न, मेरी समस्या मेरे सामने क्यों ना हो, फिर भी मैं आपका जय जयकार करूंगा। आइए दुआ में जाए। प्रभु हम आज आपके पास आते प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम जो भी आप सीखे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन बातों को न सिर्फ हम सीखे, न सिर्फ हम समझे, जीवन में अमल में लाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम पर होने दीजिए। प्रभु जितने भी लोग आज देख रहे हैं प्रभु, मुझे और उनको अनुग्रह दीजिए कि आपकी योजनाओं के अनुसार चले, हमारी योजना बाजू पर रखे, आपकी योजना पर चलकर ही हम हमारे जीवन में जो यरीहो की दीवार है उसे गिरता हुआ देख सकेंगे। हमारी योजनाओं के अनुसार चलकर हम निष्फलता को नहीं देखना चाहते। आपकी योजना भले ही हमें समझ में ना आए, भले ही कठिन हो साधीन होना, लेकिन हम आपकी योजना के अनुसार चलना चाहते हैं। यहोशू ने जैसे किया हमें अनुग्रह दीजिए कि हम करें, जो उसे बताया गया बिना डाउट किए बस उसे पकड़ कर रखा कि प्रभु ने मुझे बोल दिया कि विजय दे दिया गया, मतलब दे दिया गया है, उसने डाउट नहीं किया। प्रभु आपके वचन जो हमें दिए गए उसे पकड़ के रखे, उसके ऊपर का हमारा भरोसा बनाए रखे, आपने जो बोल दिया वो फिनिश, उसके आगे पीछे कोई कुछ नहीं होने वाला, जो आपने बोला है उस पर खड़े रहने के लिए, उसमें दृढ़ रहने के लिए अनुग्रह दीजिए। आपने हमें बता दिया है शैतान को ऑलरेडी आपने हरा दिया है, आपने वचन से बताया कि शैतान निकम्मा है, हम विश्वास करें कि शैतान की कोई भी अधिकार हमारे विरुद्ध नहीं चलने वाले, कोई भी दीवार हमारे आगे नहीं खड़ी रहने वाली, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हो। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए, बीच रास्ते में हम दुआओं को बंद न करें, बीच रास्ते में विश्वास करना बंद न कर दे, हमारा उत्तर, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमारे हाथ में ही हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उसे गवा दें। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए, जब तक हम जवाब नहीं देखते दुआओं को जारी रखें, तब तक विश्वास करना जारी रखें, तब तक वचन के ऊपर आधार रखना जारी रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, दीवारों के सामने खड़े रहकर भी धन्यवाद करने का अनुग्रह दीजिए। हमारे जीवन में जो भी बीमारी है उसके सामने देखकर भी हम धन्यवाद कर पाए, कमी घटी को देखकर भी धन्यवाद कर पाए, समस्या हमारे नजर के सामने हो फिर भी हम जय जयकार करने वाले बने प्रभु, रोने वाले नहीं, निराश होने वाले नहीं, कुड़कुड़ाहट करने वाले नहीं, दीवारों को देखकर हार मानने वाले नहीं, दीवारों को देखकर भी जय जयकार करने वाले हमें बनाए प्यारे पिता। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारो, आपके जीवन में ऐसी जो भी दीवार है, मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूँ। आप अपनी समस्या, अपनी जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस, आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, चाहे वो बीमारी हो, कुछ कमी घटी हो, पैसों की तकलीफ हो, नौकरी में, बिजनेस में समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, कुछ भी मानसिक रीति से आप परेशान हो, डिप्रेस हो, निराश हो, कुछ भी आपके जीवन में समस्या क्यों ना हो, वो दीवारों को आप प्रभु के पास ले जाए। वो दीवार बड़ी हो सकती है, जाड़ी हो सकती है, भेद हो सकती है, लेकिन यीशु के नाम में प्रभु आज उसे तोड़ेंगे, उन प्रश्नों से आपको आजाद करेंगे। प्यारो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्यारो, प्रभु अपने वचन का पक्का परमेश्वर है और वो अपने वचनों के अनुसार आपको चंगा करेंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। आप अपनी समस्याओं को बताएं प्यारो, कहिए प्रभु से, प्रभु ये बड़ी दीवार मेरे जीवन में, ये बड़ी समस्या मेरे जीवन में, मुझे लग रहा है इसके ऊपर विजय पाना असंभव है, मुझे कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हर एक द्वारों को मैं बंद देख रहा हूँ, लेकिन प्रभु ये समस्या को लेकर मैं आपके चरणों में आता हूँ। आप कहिए, बताए बताए प्यारो, विश्वास से मांगिए, डाउट मत कीजिए, और अगर आपने मांगा है
दूसरा कदम है धन्यवाद करिए, सिर्फ धन्यवाद करिए, कहिए प्रभु मैंने जो मांगा है आपने सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आज मैं विश्वास से मेरे जीवन में जो भी दीवार है उससे गिरता हुआ देखूंगा। हम आपके लिए दुआ करना चाहते प्यारो परमेश्वर, हम हमारे जितने भी व्यूअर्स है आज, जितने भी लोग हमसे जुड़े उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें उनके परिवार को और हम सबको क्षमा करिए प्यारे पिता, हम सबको आप माफ करिए प्यारे पिता, यीशु मसीह के लहू में हमें धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु, हमने जाने अनजाने हमारे परिवारों ने जाने अनजाने में कोई भी पाप किए हो, कहीं पर अविश्वास किया हो, कहीं पर डाउट किया हो, कहीं पर अपनी योजनाओं के अनुसार चले हो, आप हमें क्षमा करिए प्यारे पिता, आप हमें माफ करिए प्रभु। लेकिन मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्यारे पिता, इन जीवनों में जो भी समस्या है, चाहे वो बीमारी हो या कोई भी कमी घटी हो या कोई भी दुष्टात्मों की परेशानी हो, चाहे कोई भी डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, वो सारी समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु। यीशु के नाम की सामर्थ्य जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके सिर से लेकर पैरों के तले तक बहे, उनके शरीर में कोई भी बीमारी है दूर हो जाए बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, दुष्ट आत्मा का कोई भी प्रभाव उनके जीवन के ऊपर हो, उनके शरीर के ऊपर हो, उनके घर के ऊपर हो, तो हम उसे तोड़ देते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनके शरीर में कुछ भी ऐसी अशुद्ध चीजें उनको खिलाई पिलाई गई हो, वो सारी अशुद्ध चीजें बाहर आ जाए यीशु नाज़री के नाम में। उनके ऊपर कोई भी शापित बंधन हो, कुछ भी मैली विद्या या जंतर मंतर या दोरा धागा या कुछ भी ऐसी जादू टोने की असर हो, उसे हम तोड़ देते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनके लिए जो भी द्वार उनके जीवन में बंद हो, आशीषों के द्वार आज खुल जाए, गवर्नमेंट जॉब के द्वार खुल जाए, बिजनेस के द्वार खुल जाए, अच्छी जॉब के द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ शैतान तेरे गंदे हाथ इस परिवारों से जीवनों से ले ले, इनको छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य हर एक व्यक्तियों के जीवन में बहे और उनके जीवन में यरीहो की दीवार रूपी जो भी समस्या हो आज ढा जाए, आज टूट जाए, नींव से वो गिर जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपने जो किया है उसके लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों से हमसे बात की प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारी हर एक विनतियों को आपके चरणों में लाते उसे कबूल करे प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई दुआ साथ मिलकर बोले प्यारो, आकाश माना हमारा बाप, मारो नाम पवित्र बनाओ, तारो राज्य आओ, जय आकाश माते पृथ्वी पर, तुम्हारी इच्छा पूरी था, दिवस ने हमारी रोटली आज हमने आपको, क्षम हमें मारा ऋणियों ने माफ करे आज तम तब मारा ऋणो हमने माफ करो, हमने परीक्षण मानो डाय थे हमारे छुटको करो, राज्य पराक्रम था महिमा सरकार सुधी तुम्हारा चुप आमीन। प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर पिता का प्यार और पाक आत्मा की संगति आप सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, और जो भी दीवारें आपके जीवन में है उसे टूटती हुई और उसके ऊपर विजय हासिल होते हुए आप देख पाओ यीशु मसीह के नाम आमेन।